अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुश आमदेद कहते हैं। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम इबादतों को आज कबूल फरमाए। हमारे साथ है शेफ मुनीजा। अस्सलाम वालेकुम और जुम्मा मुबारक आप सबको मेरी तरफ से भी और आपको। आपने चीता कब मारा? जो मार के मैं सर पे लगाया था अपने शेफुनिजा, कल ही मारा था क्योंकि आजकल मारने का बहुत दिल चाह रहा है, तो मैंने चीते को ही मार देते हैं। खुदा का वादा, जुम्मे का दिन अच्छी बात करें। लेकिन एक चीज मैं सोच रहा था, हमारी थॉट ऑफ दिन में कि हम हर उस चीज की कदर उस वक्त क्यों करते हैं जब वो चीज हमारे हाथ से चली जाती है। बिल्कुल बताए, वाकई चाहे वो रिश्ते हो चाहे वो लोगों, कभी कभी हम फॉर ग्रांटेड हर चीज को ले लेते हैं। हम हर चीज को फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं इस पर। ऑफ कोर्स वो तो नजर ही आ रहे हैं जो आप हर चीज को फॉर ग्रांटेड ले रही है। लेकिन मैं वैसे पूछ रहा हूँ, इसकी वजह क्या होती है पुनीजा? क्योंकि मुझे लगता है कि शायद वो चीज उस वक्त हमारे पास होती है, हम उसको उस तरीके से या उस नजर से नहीं देख रहे होते, उस सोच से नहीं कर रहे होते। हमें ये पता होता है, हम ये नहीं सोचते कि इसने चला जाना है। हाँ। चाहे वो कोई इंसान हो चाहे वो कोई चीज हो, क्योंकि ऑब्वियसली हर चीज का एक टाइम होता है, हर अपॉर्चुनिटी का भी एक टाइम होता है। हाँ। तो वो ये चीज होती है कि हम ये नहीं सोचते कि इसने चला भी जाना है ना। हाँ। तो ये वजह होती है। मेरे ख्याल से जो कुर्बानी का कॉन्सेप्ट है इस्लाम में, आई थिंक हमें वो ये चीज भी बहुत सिखाता है कि कोई भी चीज़ जब चली जाएगी तो आपको बहुत ज़्यादा याद आएगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अपनी ज़िंदगी की एक कश्मकश में मुब्तला होते हैं, तो अपनी सेहत की वजह से, तो उनकी जो फैमिली उनके इर्द गिर्द के अतराफ में जो लोग होते हैं वो यही सोच रहे होते हैं कि यार कल कोई चले जाएंगे तो क्या होगा, ये क्या होगा। तो मुझे लगता है ये है खवातीन हज़रात कि जब तक आपकी ज़िंदगी में आपके वालदैन हैं, आपके बच्चे, आपके दोस्त हैं, उनको सेलिब्रेट करें, उनको इन्जॉय करें। क्योंकि किसी के जाने के बाद अगर उसकी कदर हो तो उस कदर का भी फिर क्या फ़ायदा, क्योंकि ना वो इंसान रहा ना वो चीज़ रही। जब तक आपको अल्लाह ताला ने जो भी अता दी है, जो जो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, जो कि अल्लाह ताला के तोहफे आपके पास हैं, उनको आज के दिन सेलिब्रेट कीजिए। और सबसे ज़्यादा जो बुरी चीज़ मुझे लगती है, घर वालों से नाराज़गियाँ पालना। शेफ मुनीजा, बहुत बुरी आदत है आपकी। मजाक करो, ऑफकोर्स देखिए घर वाले हम सभी एक दूसरे के वो होते हैं। घर मैं कहती हूँ नाराजगियाँ किसी से भी ना पालो, किसी चाहे घर वाले हों चाहे बाहर वाले हों। बाहर वालों से तो बिल्कुल भी नहीं पालो कि क्या फ़र्क पड़ता है, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा आपकी नाराजगी से, क्योंकि ऑब्वियसली अक्सर आप काम पर जा रहे हो, वहाँ पर भी लोगों से आप मिलते हो। नाराजगियाँ किसी से भी मत पालो, क्योंकि एक चीज़ मैंने हमेशा सीखी है मेरे टीचर से कि कहीं से भी जाओ ना तो वहाँ पर अपना पिछला दरवाज़ा खुला रख के जाओ। ठीक है, आप नाराजगियाँ पाल के रिश्ते पूरे ख़त्म करके चले जाते हो और आपको नहीं पता होता आपको गली में जो वो मिट्टी पड़ी होती है ना उसकी भी ज़रूरत पड़ती है, उस खाक की भी ज़रूरत पड़ती है। तो अपने लिए दरवाजे हमेशा खुले रखो कि पलट के कभी जाना हो ना तो अपना यही मुंह दे सको वहाँ पे। हाँ बिल्कुल सही बात है, वो जो इंग्लिश की कहावत है कहते हैं नेवर से नेवर, किसी भी चीज़ को मुस्तकिल तौर पे मना नहीं कर सकते या बंद नहीं कर सकते। लेकिन खवातीन हज़रात ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़रूरी है कि जब तक आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ें अल्लाह ताला ने आपको बताई, चाहे वो रिश्ते हों, रिश्तेदार हों, घर वाले हों, कोई भी ऐसी अशिया हों जो कि आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाती हो या लग्जरी आपको देती हो, उनकी कदर आपको आज करनी चाहिए। और हमेशा अगर आप चाहते हैं कि खुश रहें तो आज जुम्मे के तवसुत से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि हमेशा खुश रहें तो शेयर करें। इसीलिए इस पर मैं कहती हूँ आप मेरी कदर करें। मैं आपकी शेफ बोलीजा, क्या बात करिए, मैं आपकी हमेशा कदर करता हूँ। देखें क्या बात है, कितनी बुरी बात है। लेकिन ये चीज़ है जो मैं मानता हूँ बड़ी अच्छी तरह कि अगर आप जितना शेयर करते हैं अपनी दौलत को, अपनी जो आपकी सराउंडिंग में जो आपकी ब्लेसिंग्स अल्लाह ताला ने आपको दी हैं, उनको जितने आप उन अनप्रिविलेज्ड लोगों के साथ शेयर करेंगे तो वो ब्लेसिंग्स डबल होती हैं और बढ़ती हैं। शेफ नीजा, कोई ऐसी चीज़ है जिसके विरुद्ध में आप हर वक्त रहती हैं? कोई भी ऐसा कलाम है जिसके विरुद्ध में रहती हैं आप हर वक्त? दुरूद शरीफ। दुरूद शरीफ पढ़ती रहती हैं? हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ क्योंकि देखिए खवातीन हज़रात ज़िंदगी में आप अच्छी भली चीज़ें बहुत सारे लोगों से सीखते हैं, अगर आप भी किसी चीज़ का विरद करते हैं और आप भी अगर कोई चीज़ पढ़ के दुआ मांगते हैं और वो चीज़ असरअंदाज रही है आपकी ज़िंदगी पे, आप हमें फ़ोन करके बता सकते हैं। आपको नहीं पता आपकी एक छोटी सी बात किसकी ज़िंदगी बेहतर कर सकती है, किसको एक आसानी अपनी मुश्किल से दिला सकती है। क्योंकि मैं एक चीज़ जो शमुनीजा आजकल पब्लिक डीलिंग में रहता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, शोज होस्ट करता हूँ, इतने ज़्यादा लोग मुझे मिलते हैं और अफसोस से
ये कहना पड़ता है कि ज़िंदगी में मुश्किलात अब बहुत बढ़ गई हैं, हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, उसकी वजह चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे हालात हो, महंगाई हो, जो भी हो, मुश्किलात तो हैं और उनको हल भी आप ही ने करना है। अब मिसाल के तौर पर अगर बिजली का बिल आ जाए, अब वो ज़्यादा हो या कम, अब सिर्फ कोड़ सकते हैं, तीसरी तो कोई चीज़ कर नहीं सकते। लेकिन आपने अच्छी चीज़, आपने कुंडा डाला था ना? हाँ, मैंने आपके घर पे डाला था, वहीं से चोरी कर ली। बस कर दे। लेकिन देखिए, ये चोरी चकारी की बातें बहुत गलत होती हैं, ये नहीं करनी चाहिए। लेकिन चमुनी जी, ये बहुत अफसोस होता है मुझे इस चीज़ पर कि जिस तरह अभी हमें पाकिस्तान को बने हुए 75 साल हो गए हैं और अभी तक यहाँ पे लोग इतनी ज़्यादा मुश्किलात के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन हमारी दुआ यही है कि अल्लाह ताला एक बेहतर सुबह, एक बेहतर कल लेकर आए हम सारे पाकिस्तानियों के लिए। कल क्रिकेट का आपने एक शानदार मैच देखा। बिल्कुल हाँ। बाद में बहुत मायूस हुई। देखिए देखिए, वही बात है, तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। बिल्कुल, वो तो है, दैट्स सो ट्रू। लेकिन बात ये कि हमारे क्रिकेट ही एक ऐसा एंटरटेनमेंट सोर्स है जिससे सब बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। बाकी भी स्पोर्ट्स हैं, उनको कोई इतने शौक से नहीं देखता जितना क्रिकेट के ऊपर है। तो ये होता है कि फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन शेबुनी से जो क्रिकेट का मैच होता है ना, उसकी एक एस्पेक्ट ऐसा है जो मुझे थोड़ा सा ऑफ लगता है। क्या? कि जब आप मैच हार जाते हैं तो पिछली सारी जीते लोग भूल जाते हैं। यही जितना भी जीते हो, ये लाइफ में यही चीज़ तो है कि आपके पास 10 अच्छी चीज़ें हैं और एक बुरी चीज़ है, तो आप वो एक बुरी चीज़ देखते हो, आप वो 10 अच्छी चीज़ें भूल जाते हो। इसीलिए तो मैं आपको देखता हूँ बुरे शो। लेकिन जब मुझे कितनी बुरी बात है, ये हर बंदा पता है, इतने ज़्यादा मैचेस हमारे टीम ने जीते हैं। बिल्कुल। और इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते आए हैं हमेशा से, और कभी कभार अगर आप देखें पिछला भी मैच भी अगर आप देखें, वाला भी देखें, बहुत ही क्लोज डिफीट होती है। बिल्कुल। एक दो रन से ही डिफीट होती है। बट एनी वे, खवातीन हज़रात, हमारी जो टीम है, क्रिकेट टीम, उनको आपके हौसले की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जीत हार हर खेल का एक बहुत अहम पहलू होता है, और ऑफ कोर्स कोई जीतेगा और कोई हारेगा, लेकिन परफॉर्मेंस की बात होती है। और क्लोज मार्जिन से हारना मेरे ख्याल से, वो नहीं स्कूल में भी होता है ना, वैसे दो नंबर से तो फेल हूँ। मैं कभी फेल नहीं हूँ। अच्छा। नहीं नहीं, सीरियसली, मैं कभी, मैंने कोई रिपीट तो की नहीं आ सकता। हमें क्या पता, मेरी बॉडी मीन, हमें क्या पता, मेरी टीचर ने कॉल किया था, वो बता देती अगर कुछ किया होता। बट I've always I've been an average student. अरे क्यों explanation दे रहे हैं, मतलब क्या? क्योंकि आप मेरे बारे में ऐसी बातें करिए। अगर आपको ये पता करना है कि मैं कभी फेल हुआ हूँ या नहीं, वो आपको बताएंगी उनसा शाह। आपको क्या लगता है मुझमें और शेफुरीजा में से स्कूल में बेहतर स्टूडेंट कौन होगा? कौन बेहतर होगा? वैसे दोनों लगते हैं, क्योंकि दोनों टाइम पर सेट पर आ जाते हैं। अच्छा, लेट नहीं होते हैं स्कूल में, तो भी टाइम पर आते होंगे और एग्जाम्स भी टाइम पर देते होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि फेल दोनों हुए। उनसा बहुत जल्दी एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने वाली है, और आप उनसा को जरूर वोट कीजिएगा ताकि आप एक अच्छे लीडर से हम आपको मिल सके। बिल्कुल, मुझे एवरी फ्राइडे यहाँ पर आना भी तो है ना। आप अगर मैं कहूँगी कि आप फेल होते हैं और आप नालायक स्टूडेंट हैं, तो मैं आपको उनसा ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। मेरे ख्याल से जिस तरह अभी आजकल खवातीन और आप लोग देख रहे होंगे कि किसी की पर्सनल लाइफ हो या अगर हमारा क्रिकेट का मैच हो, हम बहुत ज़्यादा जो तनकीद है उसको सीरियस लेके गाली गलौज और दुश्मनी पे उतर आते हैं। तनकीद अगर कोई कर रहा है, आप उसको प्लीज़ एक पॉजिटिवली लीजिए और उस चीज़ से अपनी ज़िंदगी बेहतर कीजिए। हमारे साथ एक कॉलर हैं, सुबह सुबह उनसे बात करते हैं। हदीका हैं भावलपुर से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम हदीका। कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आपको भी गुड मॉर्निंग। क्या सवाल है आपका? शेफ मुनीजा हमारे साथ मौजूद है। मेरा नाम हदीका नहीं है, मेरा नाम उम्मे हबीबा है। हदीजा, हबीबा, हबीबा, कैसी हैं हबीबा आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। मैं आपको बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं आपके सारे ड्रामास देखती हूँ और आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ। थैंक यू हबीबा, बहुत बहुत शुक्रिया। भागलपुर में कहाँ रहते हैं आप? मैं भागलपुर में और डेरा बखा। जबरदस्त। और आपने कभी शेफ मुनीजा की बनाई हुई कोई डिश तैयार घर पे बनाई, तैयार की आपने? हाँ, एक बार बनाई थी। एक बार क्या बनाया था आपने? आलू छोले वाली रेसिपी, जो राइस आपने बनाए थे। राइस बनाए थे कीमे वाले? हाँ। ओ, कैसे बने फिर ये बताएं।
बहुत अच्छे बने थे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हबीबा कॉल करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग और हमारा शो देखते रहे, क्योंकि ऑफकोर्स पक्की किल्लत के बाद हम लंबी कॉल्स नहीं ले सकते। लेकिन खवातीन और आजाद उनसा शाह हमारे साथ अभी मौजूद है, उनसा बताएंगे कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। लेते एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। लेकिन जाने से पहले थॉट ऑफ द डे यही है हमारी आज की, कि जब तक आपके पास अल्लाह ताला की ये जो ज़बरदस्त ब्लेसिंग्स हैं, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे आपकी जॉब हो, चाहे आपके इर्द गिर्द के अतराफ में वो चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाती है, खुशियाँ देती है, उनको आज ही चेरिश कीजिए। जाने के बाद उनको याद करना, चेरिश करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, क्या सूरज ग्रहण के असरात वाकई आपकी जिंदगी पे होते हैं, इसका जवाब हमें देंगी उनसा शाह। गुड मॉर्निंग उनसा, कैसी हैं? गुड मॉर्निंग। इतने दिन बाद आपसे मुलाकात होती है। जी नहीं नहीं, मैं लास्ट वीक भी थी। तो मुझे लगता है ना कि इतनी सदियां बीत गई और इसके बीच में जो है वो सूरज ग्रहण भी आ गया। बिल्कुल, मुझे बताएं उनसा, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जो सूरज ग्रहण होता है उससे आपकी शख्सियत पे, आपके रोजमर्रा की जिंदगी पे असरात होते हैं। एस्ट्रोलॉजी तो ये कहती है, एस्ट्रोलॉजी कहती है, और ये वाला जो अभी लास्ट जो सूरज ग्रहण गुजरा है उसमें कहते हैं कि फाइनेंसेस जो हैं आप लोग अपने बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो आप अपने फाइनेंसेस जो इश्यूज थे या पैसे रुके हुए थे, कहीं फंसे हुए थे, तो वो मामलात आप अपने ठीक करें, अपने बैलेंस करें। घर का बजट जो है वो प्रॉपर तरीके से बनाएं, और उसके साथ साथ और बाकी जो बातें हैं वो सारी मिथ्स हैं। हाँ, ये कि डायरेक्ट सूरज की तरफ नहीं देखना चाहिए, ग्लासेस पहन लेने चाहिए। उसके साथ जो ख़वातीन जो एक्सपेक्ट कर रही हैं, हामला ख़वातीन हैं, उनको थोड़ी बहुत एहतियात करनी चाहिए। उसके अलावा और कुछ भी नहीं है, और बाकी सारी मिथ्स हैं। तो अब हम चलते हैं आने वाले हफ्ते की तरफ और देखते हैं कि आपका। लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात ही नहीं आया कि कॉलर। हेलो जी, सलाम अलैकुम। आया सलाम, पहले तो मैं इनसे माजरत चाहता हूँ, मैं इनकी बात में मुखिल हो गया। लेकिन बात यह कि मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप लोग का प्रोग्राम मुझे इसलिए पसंद है कि आप लोग बड़े सादा तरीके से प्रोग्राम करते हैं, कोई बनावट नहीं है। अच्छा, एक और बात सिर्फ मैं कहूंगा कि मेरा ताल्लुक टीवी वन से बहुत पुराना है। अच्छा, जबरदस्त। Nice. और इसलिए कि मैं आमना जाफरी जब प्रोग्राम करती थी तो तब से मैं कॉल करता था, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। लेकिन मेरे इत्तेफाक से मुझे आपके टीवी वन के दो प्रोग्रामों में आने का चांस भी मिला, और मैं अब तीन दफा बल्कि मैं आया हूँ प्रोग्राम्स में, तो मेरा बड़ा ताल्लुक है टीवी वन से, मेरी कंसर्न है। जो असल बात ये होती है ना कि जो आप प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो आप कोई ना कोई इसमें मैसेज जरूर कन्वे करते हैं, और उसको करना चाहिए क्योंकि आपकी एक जिम्मेदारी होती है। मैं टॉपिक के हवाले से बात करूंगा, मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं जैसे हम जो एक तो ये कि मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में इतना जानता हूं, नहीं बिलीव करता हूं, लेकिन फिर भी मैं इनसे एक सवाल करना चाहता हूं कि देखिए कुछ लोग होते हैं वो एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं और उस पे टोटली ये होता है कि डिपेंड कर रहे होते हैं, और वो जरा से जो 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 ये अखबारों में आता है ये हफ्ता कैसा गुजरेगा, इसके बारे में जो ये लोग लिख रहे होते हैं कि ये इसके अहल होते हैं या नहीं होते हैं, ये मेरा सवाल है। दूसरा सवाल ये कि मेरा स्टार है कैंसर, ठीक है, मैं जो भी काम करता हूँ वो काम मतलब ऐसा होता है कि जैसे मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरा बिजनेस इतना फ्लरिश नहीं होता, चल रहा होता है लेकिन फ्लरिश नहीं हो रहा होता, जो भी मैं काम मुसलसल काम कर रहा हूँ लेकिन मैं फ्लरिश नहीं कर पाया। कैंसर जो है बड़े सेंसिटिव, आप मुझे बताइए कि जो मेरा जो मैं पैशन है मेरा वो मेरा पूरा नहीं हो पाता, तो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? या प्लीज आप पानी पी लें। हाँ। आपने तो जैसे ना मुझे घुमा दिया, मुझे तो मैं तो पकड़ रहा था याया की कॉल को कहाँ जा रही है, आधी बातें समझ आ रही आधी नहीं समझ आ रही। नहीं नहीं, याया हमारे साथ है, कॉल ड्रॉप हो गई है। अच्छा याया, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। याया थोड़ा सा तो आप सांस ले लें, आपने तो ऐसी दौड़ लगाई कि कोई आपको पकड़ नहीं पाया। अच्छा बट याया थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारा शो देखते हैं और आप पसंद करते हैं। आप मुझे अब सवाल बताएं, आपको उनसा से क्या पूछना है? आपका सारे कैंसर, ओके ठीक है, आई एम अ कैंसर। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है मैं बड़ा मतलब मेरी वैसे तो बड़ी पॉपुलैरिटी मेरी, मैं लोग मुझे पसंद भी करते हैं, लेकिन मैं कारोबार जो कर रहा होता हूँ ना वो इतना फ्लरिश नहीं कर पाता। आई एम डूइंग द ऑटोमोबाइल बिजनेस बट लेकिन मेरा अभी तक मेरा कोई मुझे कोई सक्सेस नहीं हुआ मेरे इस मामले में। मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है 14 जुलाई। ऑल राइट, वो यार हम आपको ऑन एयर इसका जवाब दे रहे हैं, बट थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया जी उनसा। अच्छा देखें,
आपके जो भी काम में जो भी आपको इनकम होती है, मुझे ऐसा लगता है कि जितनी इनकम होती है उतना ज़्यादा आपका खर्चा हो जाता है, तो कुछ सेविंग नहीं हो पा रही, कुछ चीज़ें जमा नहीं हो पा रही कि आप आगे चीज़ें बढ़ा सके अपने। जैसे आप कह रहे हैं कि मेरा बिज़नेस जो है फ्लरिश नहीं कर रहा, तो जितना आएगा उतना खर्च हो जाएगा, तो बिज़नेस कैसे फ्लरिश करेगा। दूसरा ये है कि आपको कुछ ऐसे अराउंड आपके लोग नज़र आ रहे हैं जो आपको मिसगाइड करते हैं, आप जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं। हो सकता है आपके जहाँ पे आप काम करते हैं या जो आपके कुलीग्स हैं या आपके साथ जो वर्कर्स हैं या आपके साथ जो पार्टनर हैं उनके जल्दी बातों में आ जाते हैं। तो आप अपनी सोच रखिए, अपनी आप खुद सोचिए कि आपको क्या करना है आगे जाके, किस तरीके से अपनी अप्रोच जो है वो प्रैक्टिकल है, क्योंकि कैंसेरियंस जो है वो इमोशनल ज़्यादा होते हैं और दोस्ती में अपना नुकसान भी कर लेते हैं। तो दोस्त ज़रूर बनाइए, लेकिन ये है कि अपनी जो बातें हैं, जैसे पर्सनल बातें हैं, अपनी कारोबार की बातें हैं, वो हर किसी से शेयर मत करें, क्योंकि शेयर करने से भी जो है रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं। अगर काम आप कोई शुरू कर रहे हैं तो अगर आप पहले से ही उसका ज़िक्र कर देंगे तो उस काम में जो है वो रुकावटें आना शुरू हो जाएंगी। उसके साथ साथ अगर आप, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आप अपने रिस्क में बरकत चाहते हैं, अपने कारोबार में बरकत चाहते हैं, तो सूरह वाकिया असर और मगरिब के दरमियान अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ के साथ एक मरतबा अपना एक रूटीन बना लें, ये ज़रूर पढ़िए। और उसके साथ साथ रोज़ाना सदक़े की नीयत से जो भी आप देना चाहें, 10, 20, 30 रुपए जितना भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, 5 रुपए चाहे आप ज़रूर निकालिए। इससे आपको वही असफर वाली बात के देने से जो है वो चीज़ें और ज़्यादा बढ़ती हैं। तो आप चाहते हैं कि आपके काम में बरकत हो, पैसा आपका बढ़े, तो फिर जो है वो आप सबका ज़रूर दीजिए और सूरह वाकिया का ज़रूर जिक्र कीजिए। अच्छा, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का खवातीन और हज़रात, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप कॉल कर रहे हैं द मॉर्निंग स्टार पे, तो प्लीज़ इस बात का ज़रूर ख्याल रखिए कि आपकी जो कॉल्स हैं वो थोड़ी क्रिस्प हों, शार्प हों। आप फटाफट सवाल कीजिए और आसान अल्फाज में से बात कीजिए और टेलीविज़न का वॉल्यूम बंद रखिए। इतने मेरे ख्याल से सालों बीत गए कि आप लोग कॉल्स करते हैं शोज़ पर लेकिन टेलीविज़न का वॉल्यूम ऑन होता ही। मैं पिछले दिनों की बात करूँ, आज अभी तक तो कोई आज के दिन की तारीख में ऐसा कोई कॉलर नहीं है, लेकिन आप जब भी कॉल करें टेलीविज़न का वॉल्यूम बंद रखें ताकि हमारा आपसे रब्ता हो सके और जो लोग आपका सवाल सुन रहे हैं वो भी आपका सवाल अच्छी तरह से समझ सके। अच्छा, मुझे एक बात बताएं उनसा छोटी सी, वो ये कि जो कैंसेरियंस होते हैं, ये मेरा ज़ाती एक तजुर्बा रहा है, वो थोड़े से ज़्यादा इमोशनल होते हैं और एकदम साइन है ना, और बहुत ज़्यादा आई थिंक अगर कोई बात ज़रा सी वो बुरी लगती तो उनको बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी चीजें बुरी लग जाती है। और मतलब हमारा वो मकसद ना भी हो तब भी वो उनको वो पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाते, इसका मकसद तो यूं था। अच्छा, उन कंपैरेटिवली जो जेमिनाइज होते हैं मुझे लगता है वो ज़्यादा वाटरप्रूफ होते हैं, नहीं फर्क ही नहीं पड़ता। वो एयर साइन होता है ना, ये लोग बहुत प्रैक्टिकल है, इंटेलेक्चुअल होते हैं। थैंक यू, अपने दिमाग से। थैंक यू सो मच। लेकिन कैंसेरियंस का मैंने बहुत देखा है उनका, कैंसेरियंस जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ या इवन मेरी फैमिली में लोग हैं, बहुत जल्दी किसी भी बात को बुरा मान जाते हैं, बुरा मान जाते हैं, लोगों की बातों में भी जल्दी आ जाते हैं। और कैंसेरियन के जैसा कोई दूसरा स्टार कोई और कौन कौन से हैं? देखें, वाटर साइन है, स्कॉर्पियो है और पाइसिस है, लेकिन स्कॉर्पियो पाइसिस की थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर है। ये लोग भी इमोशनल होते हैं और सेंसिटिव होते हैं, लेकिन पाइसिस वाले जो हैं वो ज़रा ज़्यादा जल्दी दोस्त भी बना लेते हैं, ट्रस्ट भी जल्दी करते हैं और धोखा भी जल्दी खा लेते हैं। धोखा ज़ाहिर है, ट्रस्ट जल्दी करेंगे, धोखा भी खाएंगे। बिल्कुल सही जी। जी, एरीज से स्टार्ट करते हैं, जिनका जॉडियक एरीज है उनके लिए। एरीज से पहले एक वक्त हो जाता है छोटे से ब्रेक का, कहीं बज जाएगा, मिलते हैं खवतीन और आज़ाद आपसे ब्रेक के बाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कॉल करके उनसा से वो सवाल पूछ सकते हैं। विल सी यू इन अ बिट। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। उनसे बता रही हैं कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा।
जी वीकली हॉरोस्कोप एरीज से स्टार्ट करते हैं. जिनका जॉडिक एरीज है उनके लिए जो कार्ड आया है, नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है, विश कम ट्रू का कार्ड है. ये आपकी जो भी ख्वाहिश है इंशाल्लाह एरीज वालों की वो पूरी होगी, चाहे वो शादी से रिलेटेड हो, कारोबार से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, कोई भी आप इस हफ्ते ख्वाहिश करेंगे इंशाल्लाह वो आपकी पूरी होगी. बस आपको अपने फाइनेंसेस को बैलेंस करने की ज़रूरत है क्योंकि एरीज वालों का इस हफ़्ते ख़र्चा काफ़ी होता हुआ नज़र आ रहा है. टॉरस वालों की टर्न है. जिनका जॉडिक टॉरस है उनके लिए थोड़ी स्लो एनर्जी नज़र आ रही है. ये हफ़्ता रेस्ट करें और ज़रा मेडिटेशन करें और या कोई ऐसी एक्टिविटी करें जो आपको एनर्जी दे, क्योंकि मुझे सेहत से रिलेटेड भी टॉरस वालों के इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं. अपने हेल्थ का ख्याल रखें. जो भी आपको इश्यूज़ हैं ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें. ट्रीटमेंट ज़रूर लाजमी है आपके लिए. उसके साथ जो बिज़नेस से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं वो स्लो चलते हुए नज़र आ रहे हैं. और उसके साथ साथ जो है वो अगर शादी के मामलात भी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं. टॉरस के बाद है जेमिनी. जेमिनी वालों के लिए बहुत अच्छी एनर्जी नज़र आ रही है. सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की काफ़ी ज़्यादा पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है. पैसों की लेन देन होती हुई नज़र आ रही है. अगर कहीं आपका पैसा फंसा हुआ था वो आपको रिकवर होता हुआ नज़र आ रहा है. कोई प्रपोज आपको कर सकता है. एक अच्छा सा रिश्ता भी आ सकता है. ये आखिरी बात तो बेस्ट थी. सबसे अच्छी बात तो आपने एडमिट प्रपोज करें. जेमिनी के बाद है कैंसर. कैंसर के लिए आपको कोई भी किस भी हालात से आप गुजर रहे हों कैंसेरियंस, आपको अच्छी हो, पॉजिटिव सोचना चाहिए, एक उम्मीद रखनी चाहिए, अल्लाह पे भरोसा. आपके ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ़ें परेशानियां जो है वो दूर करेगा और यही फेथ जो है आपको आगे तक लेकर चलेगा. आपकी ज़िंदगी में मिरेकल्स होते हुए नज़र आ रहे हैं. कैंसर के बाद है लियो. लियो वालों के लिए जो है वो सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है. लियो वाले थोड़े कंफ्यूज रहते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे शादी के मामलात हों, काम के मामलात हों, जॉब से रिलेटेड इश्यूज हों. हो सकता है कुछ और आपकी लाइफ में प्रपोजल्स आ सकते हैं. फैमिली की तरफ से अरेंज मैरिज के भी चांसेस हैं, उसमें भी आपको कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं. जॉब दो तीन ऑप्शंस आपके सामने आ सकते हैं, उसमें भी आप कन्फ्यूज हो सकते हैं. लियो के बाद है वर्गो. और वर्गो के लिए सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. तो वर्गो वाले थोड़ा सा फाइनेंशियली स्टक होते हुए नज़र आ रहे हैं. बहुत सोच समझ कर अगर कहीं प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सोच समझ के कीजिएगा, अदरवाइज़ आपको कोई धोखा भी हो सकता है. इसी तरह अगर आप कहीं किसी के साथ शादी कर रहे हैं या प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर रहे हैं तो भी सोच समझ के कीजिएगा, अदरवाइज़ आपको धोखा मिल सकता है. वर्गो के बाद है लिब्रा. लिब्रा वालों के लिए फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है. ये कार्ड कहता है कि आपको अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है. ओवरथिंकिंग बहुत करते हुए नज़र आ रहे हैं वर्गो. और उसके साथ साथ जो है आपको मेडिटेशन ज़रूर करना है. कुछ ऐसा करें जो आपके माइंड को पीसफुल रखे, रिलैक्स करें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील कर सकते हैं, नींद की कमी आ सकती है. और सारी चीज़ें फ़िलहाल मुझे वर्गो वालों की ब्लॉक नज़र आ रही हैं. लिब्रा मतलब लिब्रा वालों का अभी ज़हन थोड़ा ख़राब नज़र आ रहा है, ब्लॉक नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, थोड़ी परेशानी भी नज़र आ रही है. तो थोड़ा सा आपको माइंड को रिलैक्स करना चाहिए. कोई ऐसी एक्टिविटी करें जो आपकी हॉबी है. रीडिंग कर सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं. स्कॉर्पियो के लिए द डेथ का कार्ड है. रीजनरेशन का कार्ड है. स्कॉर्पियंस जो हैं कुछ इस हफ़्ते कुछ चेंज लेकर आ रहे हैं. इस हफ़्ते कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रही है. कोई नई जॉब करते हुए नज़र आ रहे हैं. हो सकता है किसी नई जगह पर आपका रिश्ता हो जाए जहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. हो सकता है कि वहाँ पर आपकी शादी के भी चांसेस नज़र आ रहे हैं. नए दोस्त बनते हुए नज़र आ रहे हैं स्कॉर्पियंस के. हो सकता है कि आप कोई घर चेंज करें, कोई नया मकान ख़रीदें, कोई प्रॉपर्टी भी ख़रीदते हुए नज़र आ रहे हैं. स्कॉर्पियंस के बाद है सेजिटेरियस. सेजिटेरियस के लिए एक न्यू बिगिनिंग नज़र आ रही है. इस ऑफ पेंटिकल्स कुछ नया
काम शुरू कर सकते हैं, कोई नई जॉब में आ सकते हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें आपको बहुत प्रॉफिट होता हुआ नज़र आ रहा है। ये फाइनेंशियल रिवॉर्ड इज़ ऑन द वे का कार्ड है, कहीं आपने अगर इन्वेस्टमेंट की है तो वहाँ से आपको अच्छा खासी इनकम होती हुई नज़र आ रही है, पैसा कहीं फंसा हुआ है, सैलरी आपकी स्टक है तो वहाँ से आपको सैलरी दोबारा मिल जाएगी, कोई नया रिश्ते में भी आप आ सकते हैं, कोई नया प्रपोज़ल भी आ सकता है। सेजिटेरियस के बाद है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए थोड़ी सी गड़बड़ नज़र आ रही है, किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई लड़ाई भी हो सकती है, कोई नया दोस्त बन जाए या कोई पुराना दोस्त है उसके साथ भी आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो बहुत सोच समझ कर दोस्ती कीजिएगा, बहस ना करें, अपने गुस्से पे आपने काबू पाना है, अदरवाइज़ मामला जो है वो ख़राब हो सकता है। बिज़नेस में भी अगर आप किसी के साथ आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो वो दूर करने की कोशिश करें। कैप्रिकॉर्न के बाद है एक्वेरियस। एक्वेरियस वालों के लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो एक्वेरियस वाले जो हैं वो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। अगर कोई भी ऐसा मसला है जिसमें आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं तो किसी से मशवरा कर सकते हैं, अपने घर में कोई आपका आपकी मदर हैं, आपके फादर हैं, आपके कोई बड़े भाई हैं, बहन हैं, उनसे आप मशवरा कर सकते हैं, या कोई जो आपका दोस्त है जिसको आप ट्रस्ट करते हैं उससे भी आप मशवरा कर सकते हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक्वेरियस के बाद है पाइसिस। पाइसिस के लिए भी फाइव ऑफ सोर्स का कार्ड है। आप जो हैं कुछ पाइसिस वालों ने बहुत ज़्यादा अपने आप को एक नाउम्मीदी में डाल दिया है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं, अगर कोई चीज़ आपको हासिल नहीं हुई है तो आपको गिव अप नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको अल्लाह ताला की सपोर्ट हासिल है। जब कहते हैं इंसान बिल्कुल नाउम्मीद हो जाता है तो अल्लाह ताला आपको पीछे जो है वो आपकी सपोर्ट होती है, एक कुदरती सपोर्ट होती है, एक स्पिरिचुअल सपोर्ट होती है, और उससे आप जो है अपनी दोबारा से अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट कर सकते हैं, अपने बिजनेस को, किसी चीज़ में भी आप नाउम्मीद हैं तो उससे आपको जो है दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए। जब हमारे साथ एक कॉलर है जो बात करते हैं, फातिमा की कॉल है। हेलो जी, सलाम अलैकुम फातिमा। जी फातिमा, क्या सवाल है आपका? जी मैंने अपने स्टार के बारे में पूछना था, मेरा स्टार कौन सा है? स्टार कौन सा है? आपकी डेट ऑफ बर्थ प्लीज बताइए। मेरी 1996 और 9 अक्टूबर 96। आपका लिब्रा है। हम आपको ऑनलाइन जवाब दे रहे हैं फातिमा, थैंक यू फॉर कॉलिंग। जी फातिमा ने 9 अक्टूबर बताई है तो उनके लिए लिब्रा है, और बाकी ये है कि फातिमा की अगर शादी नहीं हुई है तो बहुत जल्द शादी के चांसेस नज़र आ रहे हैं, और अगर शादी हो, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो मुझे लगता है कि आप जल्दी एक्सपेक्ट करने वाली हैं, और उसके साथ साथ मुझे सेलिब्रेशन टाइम एक अच्छा टाइम नज़र आ रहा है, ट्रैवलिंग भी नज़र आ रही है। हो सकता है फातिमा आपका बहुत जल्द कहीं पर ट्रैवल हो, या हो सकता है आप कहीं फ्यूचर में अब्रॉड भी शिफ्ट हो सकती हैं। जबरदस्ती तो बहुत लोगों का ख्वाब है आजकल जी बाहर जाने का और बाहर सेटल होने का। जी आपके ख्याल से उनसा वैसे ही, मैं नॉट थ्रू ड्रायरो पूछ रहा हूँ, वैसे ही पूछ रहा हूँ कि आपको कभी लगता है कि ये एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है लोगों के लिए बाहर जाके? तो मुझे लगता है दोबारा से सब नए सिरे से शुरू करना। देखिए मेहनत तो यहाँ भी करनी है और उधर भी करनी है, लेकिन वहाँ पर मैं कहती हूँ कि फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और लोगों के लिए, जैसे गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट होती है और एक लाइफ अच्छी गुजर जाती है, और यहाँ पे बस ये है कि हर वक्त जो पॉलिटिकल और अजीब किस्म की जो गहमा गहमी रहती है उसकी वजह से लोग परेशान रहते हैं, और महंगाई तो उधर भी हो गई है, आप तो जाते रहते हैं जी, लेकिन वो मेरा तो पेड होता था। लेकिन शिवपुरी से कभी आपने सोचा बाहर शिफ्ट होने के बारे में? बहुत दफा। अच्छा, बहुत दफा। कहां आप कहां जाना चाहती हैं? जहां जिंदगी ले जाए। चांद चांद के अलावा कहीं भी चले जाए। कहीं भी चले जाए, लेकिन बस ये है कि हाँ, बच्चों के लिए, बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए ये प्लान है, बाकी अल्लाह ताला जो चाहे।
अब हम चाहते हैं कि हमारी जो आने वाली जो जनरेशन है वो बाहर जाए। बिल्कुल बिल्कुल 100%। मेरे ख्याल से देखिए पाकिस्तान से बेहतर मुझे लगता नहीं कि कोई और कंट्री है। आई थिंक पाकिस्तान में पैसा कमाने के बनाने के बहुत ज़्यादा मौके आपको मिलते हैं, आपका अपना मुल्क है, लेकिन मुझे लगता है बाहर ट्रैवलिंग से ख़वातीन और हज़रात आपका एक्सपोजर बहुत बढ़ता है, आपके अंदर विजडम बहुत आता है। और अगर अल्लाह ताला ने आपकी ये इस्तेआत है, एक और चीज़ आपको बता दें जो बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, अगर आप अपने यहाँ पर रहते हुए किसी भी स्कूल कॉलेज से अच्छे आपके ग्रेड्स आ रहे हैं, आप अच्छा पढ़ रहे हैं, तो आपको बाहर की कोई भी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप दे सकती है, फ्री ऑफ कॉस्ट बाहर जा सकते हैं। चंद थोड़ा बहुत खर्चा तो लगता ही है, लेकिन बाहर जब आप जाते हैं तो एक एक्सपोजर बहुत मिलता है। आप जो कहते हैं ना कि दुनिया जहाँ दीदा लोग जो होते हैं दुनिया देखी होती है। हमारे साथ एक कॉलर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम जी, शबाना फ्रॉम फैसलाबाद। शबाना क्या सवाल है आपका? सर मैं ना उनसे शायद ये सवाल है कि ना मेरे भाई ने अप्लाई किया था इंटेलिजेंस में 10th January। हाँ इंटेलिजेंस तो कागज वगैरह क्लियर हो गए, अगर वो जॉब मिल जाए तो मेरे भाई के लिए बेहतर होगी। क्या नाम है आपके भाई का? नजीर अहमद। शब्बीर अहमद जी, शबीर अहमद नाम है उनका। शबीर अहमद कैप्रिकॉन इनका स्टार है। और क्या सवाल क्या था उनका? सवाल क्या आपका सवाल क्या भाई के लिए? सर मेरा ये सवाल था कि ना उनके इंटेलिजेंस में अप्लाई किया है तो कागज वगैरह सब क्लियर हो गए हैं, तो क्या उन्हें वो जॉब मिल जाएगी? अच्छा कि इंटेलिजेंस पे अप्लाई किया, क्या उन्हें जॉब मिल जाएगी? जॉब जहाँ उन्होंने अप्लाई की क्या वहाँ जी जाए? जी बिल्कुल इंशाल्लाह बहुत जल्द मिल जाएगी। मुझे लगता है कि 2 months के अंदर अंदर उनको इंशाल्लाह जॉब मिल जाएगी। 8 of Wands का कार्ड है, ट्रैवलिंग भी नज़र आ रही है शबीर अहमद की, हो सकता है जॉब के बाद कहीं ट्रैवल करें। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए शबाना आपका। खवतीन और साथ आपका बहुत शुक्रिया, आप बॉर्निंग साथ इस वक्त देख रहे हैं उनसा, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग टाइम। अच्छा लगा है हमेशा की तरह। उनसा भाई साथ हर फ्राइडे को होती है, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात कराएंगे चंद बेहतरीन लोगों से, आप लोग कहीं मच जाएगा। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, वक्त हुआ जाता है किचन क्वीन का। जबकि शो सुबह से ही हाईजैक कर लेती है, लेकिन अब वक्त हुआ जाता है आपका। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो आज कुछ बहुत मजे का बना रहे हैं सर। मुझे लगता है कि आज आपको पसंद आएगा जो हम बना रहे हैं। अच्छा जैसे क्या? जैसे देखें एक इंग्रेडिएंट आपका फेवरेट है। हाँ मैं बताऊँ, मैं अच्छा मैं गेस मुझे गेस करने दें आप क्या बना रही हैं। आज आप बना रही हैं चिकन नगेट्स। हाँ उसके अंदर हम डालेंगे पालक और फिर उस नगेट्स को बनाएंगे तवे पे। ओके बाय। लेकिन सही बताएं पालक क्यों डाल रही है? अच्छी खासी चिकन भी नहीं, बहुत मज़े का बनता है इस पर, थोड़ा डिफरेंट बनता है। और तवा पालक चिकन हम बना रहे हैं जो आज बना रहे हैं, और थोड़ा सा ड्राई होता है लेकिन चटपटा होता है। तवा चिकन विद पालक या पालक तवा चिकन? पालक तवा चिकन कह दें, तवा चिकन विद पालक कह दें, जो भी नाम देना चाहें, जो दिल चाहे कह दें कह दें। जी बस खाने में अच्छा होना चाहिए। ऑल राइट चलें शाम को स्टार्ट चलें। ठीक है जी, और इस पे ऑयल हम शामिल करें तकरीबन 1/2 cup के करीब। तो अभी हम बना क्या रहे हैं? सबसे पहले यही बना रहे। अच्छा ये ऐसे ही बन जाएगा? नहीं ना, तो बाकी सब्जियां भी डालेंगे ना इसमें, तो उसमें कोई ग्रेवी नहीं होगी? नहीं थोड़ा सा ड्राई होगा लेकिन अच्छा बनता है, बहुत मजे का बनता है। ठीक है हमने ऑयल शामिल, स्नैक की तरह की चीज़ है? नहीं नहीं आप रोटी के साथ खाएं, चपाती के साथ, पराठे के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खाएं जिसके साथ आपको पसंद हो आप सब इसको एंजॉय। मतलब स्मॉल बाइट्स होते हैं ये। हाँ ये चाह रहे मैं ये ना बनाऊं। ठीक है अच्छा जी, हम इसमें प्याज शामिल कर रहे हैं। हमने एक प्याज जो है वो ले ली है इसके अंदर और उसको बारीक चॉप कर लिया है। ठीक है ये चाइनीज प्याज है? नहीं पाकिस्तानी प्याज है। आप कहाँ हैं इस वक्त? मैं तो इधर ही हूँ। जी जी प्लीज बताएं। नहीं नहीं कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं नहीं बाद में बताऊंगा, बाद में बताएंगे। ओके नहीं नहीं हमारे व्यूअर्स भी सुनना चाहते हैं। नहीं नहीं तो ऑफ कोर्स सुनेंगे। कभी कभी लोग होते हैं ना उनको फंसा देते हैं बिल्कुल ही। अब फिर सबसे ज्यादा जो चीज मुझे बुरी लगती है ना जिंदगी में, और कोई चीज बुरी नहीं लगती होगी इतनी कि एक आपको एक बात बताऊं? आप क्या बताएं? अच्छा छोड़े रहे, कितना बुरा, कितना बुरा लगता है कोई इस तरह करे। अगर आपको एक बात बताओ और नहीं छोड़े रहे हैं, आप उसी में लगे रहते हैं। नहीं बताओ ना
ऐसा करते हैं? हाँ, बहुत ज्यादा करते हैं। मतलब समझ गया आपको अच्छी तरह। कहते हैं छोड़ो मत बताओ। हाँ हाँ, वो मुझे मतलब ये बाद में बताऊंगा, रात को सोते वक्त बताऊंगा। अच्छा वो खाना खाएंगे ना तब बताऊंगा, घर आऊंगा फिर बताऊंगा। यार ये क्या बात हो गई, पहले भी बताना ही नहीं था ना, इसका मतलब है। तो आप ये करते हैं इस तरह की चीजें? नहीं भाई, जो चीज़ बुरी लगती है वो मैं करूंगा क्यों? नहीं नहीं, लेकिन लोग बहुत करते हैं। अच्छा एक लोग बड़ा फंसा देते हैं आपको ना पब्लिक में, या अक्सर आपके फ्रेंड्स ही शरारत करते हैं आपके साथ ना, कोई ऐसी बात जो आपको शेयर नहीं करनी किसी बंदे के सामने, वो बताओ ना। है ना, है ना, ये करते हैं ना, ये तो आप करते हैं, ये तो मैं तो ऐसे भी कर देता हूं। है ना, ये आप कह रहे हो तो मुझे पता है, सही है ना। तो ये चीज बहुत से लोग करते हैं। और आपके दोस्त क्या करते हैं आपके साथ? पहले ये तो बताते हैं, वो हो रहा है ना, नहीं करते वो बिल्कुल, मेरे दोस्त कोई काम नहीं कर रहा। अच्छा मुझे एक वुडन स्पून चाहिए है जी, जो कि हम मंगवा लेते हैं, रुक जाओ। ठीक है, अच्छा क्या अक्सर जो है ना वो मेरे फ्रेंड्स इस तरह करते हैं कि अगर कोई सीक्रेट शेयर कर दिया ना तो वो उसी शख्स के सामने जो है वो, अच्छा वो तुम क्या बोल रही थी उसके लिए जरा बताना, तो वो उसकी, अरे मैं आंखें दिखाऊं ये करूं, नहीं नहीं नहीं, वो जानबूझ के, जानबूझ के। शेफ जिस तरह अभी उनसे बता रही थी आपके स्टार के बारे में, लिब्रा के बारे में, क्या आप आजकल ओवर थिंकिंग कर रही हैं? क्या ये सच है? 100% है। अच्छा बिल्कुल है, और वाकई इस वक्त मैं बहुत ज्यादा सोच रही हूँ चीजों को। और अच्छा आपको अक्सर पता होता है, आपके सॉल्यूशंस भी आपको पता होते हैं, आपको ये भी पता होता है कि आपको क्या करना चाहिए है उस नेगेटिविटी से दूर होने के लिए, लेकिन फिर भी आप वो चीज कर रहे होते हो। तो ये है कि होना वही है जो इन दी एंड आपके नसीब में लिखा हुआ होता है ना। अल्लाह ताला ने बहुत सी चीजें हमारे लिए बिल्कुल फिक्स कर दी, बिल्कुल दुआएं जो है वो चीजों को चेंज कर देती हैं, लेकिन फिर भी हम जो है ना वो एक ही चीज सोचते, अच्छा अब क्या होगा, अच्छा ये प्रॉब्लम आ गई इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अल्लाह ताला जब प्रॉब्लम देते हैं ना तो उसका सॉल्यूशन भी पहले से होता है, होता है बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन हम लोग शायद, अच्छा कभी कभी ऐसा होता है इस पर जब कोई अचानक से स्ट्रेस आता है, टेंशन आता है, तो आपको टाइम लगता है, मुझे एक दिन और एक रात लगती है। ठीक है ना, और ये हमारी प्याज इस वक्त माशाल्लाह आपने आखिरी में आखिरी सांसें चाहिए, आखिरी सांसें गिन रही है। नहीं नहीं, कोई आखिरी सांसें नहीं गिन रही है। ठीक है, आई थिंक स्पून जी शेफ मुनीजा, स्पून ये रहा। ओके ओके, अगर सिर्फ इसको तलाश करती हैं आप दिल से, ये नहीं, ये रहा दूसरा चिराग तलंदेरा जी। देखें कितने स्पून चाहिए बताएं? ओके बस एक ही चाहिए, चमचे ज्यादा हमें पसंद नहीं करती। नाइस है ना जी, बताएं। अच्छा बस ये हल्का सा जैसे ये गोल्डन हो रहा है, लाइट सा, बहुत ज्यादा इसको हमें पकाना नहीं है। ठीक है, और अब इसके अंदर हम जो है वो टमाटर शामिल कर देंगे। ठीक है ओके, ठीक है, और इसमें हम जो है साथ साथ तमाम मसाले शामिल करते जाएंगे। जैसे अच्छा प्याज जो है मैंने एक दरमियानी ले ली थी, उसको फाइन चॉप कर लिया था। टमाटर मैंने दो अदद लिए हैं, उनको जो है बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है। ऑयल आप देखिए कम है, हम ग्रेजुअली ऐड कर देंगे अगर हमें कम लगेगा तो। ठीक है, नमक हम इस पर हस्पे जायका शामिल कर रहे हैं, थोड़े से चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून के करीब, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने फ्लेवर्स के हिसाब से। 1/2 टीस्पून हल्दी जा रही है इसके अंदर, और अराउंड 1 टीस्पून जो है वो लाल मिर्च जा रही है। ठीक है, और हम इसके अंदर शामिल करेंगे हरी मिर्चें, थोड़ा सा स्पाइसी इसको करने के लिए। ठीक है, कितनी डालूँ सर, आप कितनी खाना पसंद? अच्छी खासी, अच्छी खासी, मुझे तो पसंद है स्पाइसी। अच्छा चलो, 2 टेबलस्पून के करीब हमने जो है वो हरी मिर्ची शामिल कर दी है। स्पाइसी का एक और फायदा ये होता है कि आप ज्यादा नहीं खाते ना फिर। हाँ, जो मिर्ची होती है ना फिर आप वो कम थोड़ा थोड़ा खाते हैं। हाँ। और पानी ज्यादा पी रहे होते हैं। हाँ। ना उसी में पेट भर जाता है। नहीं, खाने के साथ पानी पीना चाहिए? नहीं, पहले पीना चाहिए बिल्कुल। और कितनी देर पहले पीना चाहिए? आई थिंक 1/2 घंटा या 15 मिनट पहले, ताकि आपकी भूख थोड़ी सी वो कंट्रोल कर लेता है। मैंने बिल्कुल ऐसा पढ़ा, मैं बिल्कुल खाने से पहले पीती हूँ, और एक बड़ा ग्लास भर के पानी जैसे। तो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें हम मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होती ना। ठीक है, अच्छा ये देखें, ये सॉफ्ट होना शुरू हो गए टमाटर। ठीक है, अच्छा टमाटर को जो है हम साइड पे कर देते हैं, और इसके अंदर जो है हम चिकन शामिल कर देंगे बीच में। शेफ बनी, ये आप ऑयल में बना रही हैं, लेकिन हम इसको घी में भी बना सकते हैं। घी में भी बना सकते हैं, और बटर में बनाएं तो उफ क्या ही बात है, बहुत मज़े का बनता है ये अगर आप इसको बटर में बनाएं तो। बस ये हमने इसमें चिकन शामिल कर दिया, क्योंकि तवा चिकन मेरे नहीं, खैर ऑयल में बनती है, बटर में बनती है। हाँ बिल्कुल, बटर में ज्यादातर बनती है, लेकिन अब वही बात है ना, आजकल बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस लोग आ गए हैं, उनको ऑलिव ऑयल चाहिए। तो ये ऐसे है कि आप जो है इसको बना के आप कम ऑयल के साथ या ऑलिव ऑयल के साथ सुखा सकते हैं। बस ये चिकन को हमें इसमें कुक करना है। अच्छा पालक मैंने क्या की थी इस पर, मैंने 500 ग्राम चिकन लिया है यहाँ पे,
इसको डाला इसमें और 500 ग्राम ही मैंने पालक ली थी, वो ऑब्वियसली ब्लांच होती है, उसको हमने चॉप कर दिया बिल्कुल। पहले मैंने इसको पानी जब गर्म हो गया, जोश आ गया, उसके अंदर मैंने पालक डाली, एक मिनट तक पालक डाली और उसको निकाल लिया, ठीक है, बस एक मिनट, हाँ ब्लांच करना है हमें उसको, ठीक है। और उसको जो है ठंडा पानी डाल के ठंडा कर लिया बिल्कुल, और उसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया मैंने ना कीमे की तरह, बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया इसको। तो बस ये आधा किलो पालक है जो इतनी सी हो गई हमारी। अरे वाह, बताएं तो पालक जो है ना वो बहुत श्रिंक हो जाती है। अच्छा जी, थोड़ा सा इसका फ्लेम बढ़ाते हैं और इसमें हम, बहुत क्विक बनने वाली रेसिपी है, इतना टाइम नहीं लगता, बस ये चिकन को जितनी देर टेंडर होने में टाइम लगेगा उतना ही लगेगा, ये देखें। अच्छा, अस पर उस दिन मैं बताई थी कि मैं क्लास जो दे रही हूँ वो 3 मंथ्स का बेकिंग कोर्स जो है वो स्टार्ट हो रहा है 5th of November से। तो बहुत सारे लोग जो मुझे अक्सर मैसेजेस कर रहे होते हैं कि हमें आपकी ट्रेनिंग लेनी है, सीखना है, तो आप लोग जो है वो रंगून वाला हॉल पे आ सकते हैं, वहाँ 3 मंथ्स का बेसिक कोर्स जो है वो मैं करवा रही हूँ, उसमें हम थ्योरी भी पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल्स भी करेंगे और एक बड़ा अच्छा सा माहौल होता है, बड़ा मज़ा आता है। जब ऑनलाइन भी तो कर रही थी, ऑनलाइन भी कर रही थी बिल्कुल मैं, ठीक है वो भी है, ठीक है। तो जो लोग ऑनलाइन, ऑब्वियसली जो कराची से बिलोंग नहीं करते हैं, आउट ऑफ सिटी है या आउट ऑफ कंट्री है, तो वो मुझसे जो है ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं और जो चाहें तो वहाँ पे आके प्रैक्टिकल क्लास ले सकते हैं। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है नूरुलैन फ्रॉम लाहौर, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, सलाम अलैकुम नूरुलैन जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग जी। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तकरीबन मैं आपकी रेगुलर कॉलर में की लिस्ट में आ गई हूँ, क्योंकि मैं काफी दफा आपके शो में कॉल कर चुकी हूँ। थैंक यू जी। अल्लाह ताला आपको, आपके पूरे टीम को बहुत ज्यादा तरक्की और कामरानी दे, और हमारी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हमारे वतन अजीज को हमेशा खुशहाल रखे, आबाद रखे, और यहाँ पे बसने वाला हर फर्द सुकून की जिंदगी बसर करे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी आपकी ट्रांसमिशन जा रही है, बहुत जबरदस्त। आप इसी तरह से हम लोगों के लिए, हम तमाम आवाम के लिए आप इसी तरह से जो खिदमत कर रहे हैं आप इसी तरह से करते रहे, और अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन अजर देगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आमीन, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। कोई रेसिपी आप चाहती हैं शेफ़ुली साहब को पका के यहाँ बताएं कि कैसे बनती है? जी जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल चाहती हूँ। मेरा ये है कि आप जो है ना मुझे या तो पिज़्ज़ा या जो पनीर, पालक पनीर की रेसिपी है वो जरूर, या तालियां तालियां इस बात पे। पालक पनीर तो मुझे बहुत पसंद है, क्या बात जी, क्या अच्छी बात। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, उन्होंने मुझसे फरमाइश भी की थी, तो मैं चाहती हूँ कि आप वो ट्राई करें ताकि मैं अपने हस्बैंड के लिए बनाऊं और वो भी तारीफ करें मेरी। जबरदस्त, इंशाल्लाह जरूर, क्यों नहीं। और इसके अलावा जो है आपने कोई रेसिपी ट्राई करी यहाँ पे जो मैंने सिखाई उनमें से? जी जी, आपने जो उस दिन आपने जो स्मॉल साइज वाले पिज्जा बनाए थे, थोड़े से स्मॉल साइज वाले पिज्जा मैंने ट्राई किए थे, और मैंने बिरयानी आपकी ट्राई की थी, बहुत तारीफ मुझे अपने शोहर से सुनने को मिली थी, बहुत अच्छा मैंने बनाया था, क्योंकि आपके जो चैनल है, आपके जो प्रोग्राम है, ये हमें एंटरटेनमेंट के साथ साथ हमें एजुकेशन भी दे रहे हैं, हमें एजुकेट भी कर रहे होते हैं। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, इंसान सीखता है और सीखने का अमल तो कब्र तक जारी रहता है। बिल्कुल सही बात। तो आपके शो से, आपके प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखती हूँ, और मैं खुद कंपेयर रह चुकी हूँ रेडियो पाकिस्तान में। अरे वेरी गुड, जब भी अच्छा बोल रही है, जबरदस्त। रेडियो पाकिस्तान में 14 साल मैंने कंपेयरिंग की है। अब मैं शादी होकर लाहौर आई हूँ, तो यहाँ मैं अभी जॉब सर्च कर रही हूँ। मैंने TV1 में भी अप्लाई किया है, अब देखें अल्लाह मालिक के आगे, अल्लाह आसानियां पैदा करे इंशाल्लाह। क्यों नहीं, जरूर। और आप जब भी कराची है आप हमारे शो पे जरूर आए, और आप हमें कुछ पकाना सिखाएं कि आप क्या अच्छी डिश बना सकती हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। खवातीन के साथ वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। यहाँ बन रही है पालक तवा चिकन, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। बुरी बात है शेफ मुनीजा, वेलकम बैक। खवातीन हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, और कुछ लोगों में खौफ खुदा बिल्कुल खत्म हो चुका है। देखिए, कुछ भी ऐसा होता है वो मेरे यहाँ पे ना फंस जाता है, वो चलता रहता है, अब फिर मुझे हंसी आती रहती है। हाँ। उसको अच्छा ये बताएं, कोई बेचारा फिसल जाए, गिर जाए, तो आपको वो इसमें हंसी की क्या बात है? अगर आपके सामने कोई फिसल के गिर गया, इसमें क्या खुशी, ऐसी क्या खुशी मिलती है? मुझे ये समझ में नहीं आता, पता नहीं, मेरा बटन दब जाता है। अच्छा, ऑन एयर में ये चीज़ें बहुत कंट्रोल करनी पड़ती हैं,
अच्छा हमने क्या किया था आप लोगों के सामने पूरी अरे शेफ रिजा फॉर गॉड से मैं आपको बताता हूँ देखिए हमने चिकन ली और उसमें हमने हरी मिर्च खपती रोज रात हमारे साथ है आप सबके फेवरेट डॉक्टर खुर्रम मुशीर तो खुशी कई मतलब हो रहा है ना तो ये अच्छा इजहार है मुझे अवार्ड मिला है बेस्ट मॉर्निंग शो शेफ का आपको पता है अरे इन्होंने सेलिब्रेट किया नहीं बिल्कुल भी नहीं किया शेफ आप लाइव झूठ बोल रही मैं केक लाके आपका केक काटा था केक काटा इन्होंने केक नहीं था पेस्ट्री थी वो पेस्ट्री बनाई मैंने पेस्ट्री काटी आपने वो मैंने ही बनाई थी अच्छा इन्होंने काट दिया मैंने ही बनाई मैंने ही काट ली मैंने ही खा ली हो गया ये तो अच्छा था थॉट आपके लिए खुशी हुई मुझे देखिए वो आपकी थॉट मैटर करती है ना आपका सोच कितनी अच्छी थी हमने वो किया ना सोच आपकी पाकीज़ा थी इनको ट्रीट देनी चाहिए ना मुझे ट्रीट तो देखिए आप इनको अच्छी जगह लेके जाए डिनर किराए अच्छा सा अच्छा डॉक्टर साहब मुझे आपसे एक जाती सवाल पूछना है जी जी। मुझे एक बात बताओ डॉक्टर साहब बचपन की कौन सी ऐसी सालगिरह जो आपको अभी तक याद हो क्या मतलब ये नहीं कि बचपन में तो देखिए बचपन में तो हर रोज किसी की भी बर्थडे होती है लगता है हमारी बर्थडे है ना ये तो लगता है नहीं नहीं आपकी अपनी कोई सालगिरह नहीं ऐसी कोई सालगिरह नहीं याद यकीन करें डॉक्टर साहब तो कहेंगे मेरा तो बचपन चल रहा है अभी नहीं तो नहीं देखिए सालगिरह तो नहीं याद मगर बर्थडे का एक बड़ी अच्छी फीलिंग होती थी मतलब पहले प्लान करते हैं बच्चे अम्मा अब्बा के साथ बैठ जाते हैं मेरा जी शिप वाला केक हो गिटार वाला केक खुद ही बता रहे होते खुद ही बता रहे होते इस तरह का केक होगा हम बर्थडे में ये करेंगे और डॉक्टर साहब को याद है एक बेकरी होती थी साशाज बच्चों को केक का टेस्ट वेस्ट कुछ पता नहीं होता और उनको बस वो कार्टून बना हुआ है शिप बना हुआ है ना ये चीज ज्यादा एक ही होता है कि जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं ना वो अपने बर्थडे पे रो लाजिम रहे होते हैं वो जितनी पिक्चर्स देख लो वो रोते हुए होती है हाँ ये भी है वो रोते हुए होते हैं बड़े चुप कर रहे हैं बहुत ज्यादा अरमान होते हैं माँ बाप को पहला बर्थडे है तो वो सेलिब्रेट करने हैं बहुत बच्चे रो रहे होते हैं बच्चे रो रहे होते हैं वो सारी तस्वीरों में मैं तो रोती हुई नजर आ रही हूँ मतलब फायदा क्या है ना ये बिल्कुल एग्जैक्टली ये होता है अच्छा हमने ना रेसिपी का बताएं प्लीज बता दो मैं आपके मुंह से कहूँ अच्छा इसी मुंह से जी जी तो जो है मैंने इसमें जो है वो जो पालक मैंने ब्लांच करके चॉप करके रखी थी वो शामिल कर दी जब ये चिकन हमारा जो है वो डन हो गया ड्राई हो गया थोड़ा सा इसको इसके साथ कुक करेंगे बहुत ज़्यादा पालक को हमें पकाना नहीं है वरना हम इसके न्यूट्रिएंट्स जो है वो जला देंगे अच्छा साथ साथ जो है ना मैं इसके अंदर बिल्कुल लास्ट में जो मसाले डालने हैं वो शामिल कर रही हूँ अच्छा लेमन जूस जब भी शामिल करा करें वो लास्ट में शामिल करा करें वरना वो पक पक के ना कड़वाहट रेसिपी में या जो भी बना रहे होते हैं उसमें कड़वाहट आ जाती है ठीक है तो बिल्कुल ऑलमोस्ट हमारा डन है तो मैं इसमें 2 से 3 टेबलस्पून जो है वो लेमन जूस का डालूंगी क्योंकि हमें बहुत चटपटा सा बनाना है इसको ठीक है और असफल के मुँह में पानी आ रहा है ना ठीक है अच्छा इसके अंदर जाएगा चाट मसाला ठीक है अच्छा खासा चाट मसाला हाँ 1 टेबलस्पून भर के हमने शामिल करा और 1 टेबलस्पून भर के जो है हमने पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करा थोड़ा सा मसालेदार बनता है ये और साथ साथ इसमें जारी है कसूरी मेथी वो भी अराउंड 1 टेबलस्पून इसको रब करके आपने डालना है ठीक है ताकि इसकी खुशबू जो है वो निकल के आए बस इसको हम मिक्स करेंगे और ये हमारा डन है अच्छा इस पर जो लोग डाइट कर रहे हैं डाइट कॉन्शियस हैं वो भी बहुत मज़े से इस रेसिपी को इन्जॉय कर सकते हैं कम ऑयल डालें और जो है आप देखें इसमें चिकन भी है प्रोटीन का सोर्स भी है पालक एक बेहतरीन आयरन का सोर्स है तो आप इसको बहुत मज़े से खा सकते हैं और बिल्कुल लास्ट में हम इसके ऊपर अदरक शामिल कर रहे हैं अगर आप चाहें तो हरी मिर्ची जो है वो काट के शामिल कर सकते हैं और ये रेसिपी जो है हमारी यहाँ पे इस पर डन हो चुकी है और हम इसको तवे पे ही दिखाएंगे हमारी ऑडियंस को जी बिल्कुल डन है हमारी रेसिपी खुशबू कैसी आ रही है और पराठा पराठे के साथ ही बहुत मज़ेदार लगेगी बिल्कुल पराठा है नान है कड़क कड़क नान क्रिस्पी वाला ओए होए होए मजा ही आ जाएगा तो ये असफर बताना चाह रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर्स आपको क्या पराठे मंगवा ले अब और किस हां बिल्कुल डॉक्टर साहब कहेंगे पराठे बिल्कुल क्यों नहीं डॉक्टर साहब वैसे मुझे आपसे एक बात पूछनी थी जो कि मैं आपके सेगमेंट जब हम शुरू करेंगे तो पूछूंगा एंटीबायोटिक्स को लेके जो कि लोगों के दिमाग में खदशा होते एंटीबायोटिक के बहुत बड़ा कोई एक एटम बॉम्ब है बिल्कुल जो कि खाने से पता नहीं वो पता नहीं वो जाके यकीन करें कि वो कुछ सैलून से सब कुछ लगवा लेंगी स्लैश लगवा लेंगे और एंटीबायोटिक और ये एंटीबायोटिक तो खून जलाती है
अरे भाई एंटीबायोटिक तो एक बड़ी बेसिक चीज़ है और फॉर द टाइम बीइंग आपको प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर, तो वो तो कोई ऐसी खतरे की बात नहीं, एंटीबायोटिक आपको स्टेरॉइड्स कोई खतरे की बात नहीं है, मगर एक उसकी कॉन्सेंट्रेशन देखिए डॉक्टर साहब, वो जो कहा जाता है एंटीबायोटिक के बारे में कि अगर उसकी ड्यूरेशन आप लोग मतलब जो आप रिकमेंड करते हैं कि 3 दिन या 5 दिन जितने भी दिन या 7 दिन जो भी, उसको अगर बीच में छोड़ दें तो वो उससे नुकसान होता है? नहीं देखिए नुकसान तो नहीं होता, मगर देखिए एक काम पूरा कंप्लीट कर रहे हैं ना, एक तो एक जैसे आपका शो हो रहा है आपका पूरा कंप्लीट 3 घंटे का है, ठीक है, आप बीच में एकदम से आप स्कैटर्ड हो जाएं तो वो मतलब नुकसान ही होगा ना इवेंचुअली, तो जो आपको देखिए जो चीज़ है पूरा उसको फॉलो करें, वरना एक आधा फिर आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन डॉक्टर खुरम एक बात बताएं कि डॉक्टर्स यूजुअली कहते हैं कि 8 घंटे का गैप होना चाहिए, बिल्कुल क्या वो एग्जैक्टली वो गैप मेजर करके होना चाहिए सुबह दोपहर शाम? नहीं नहीं देखिए सुबह दोपहर शाम थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए ऐसी कोई बात नहीं, मैंने अक्सर देखा है कि वो कुछ टीवी पे जो होता है कंप्लीट डॉक्टर्स नहीं है वो, मतलब जो एक मशवरे देते हैं तो कहते हैं जी आपने आज 2 बजे खाई है, अगर दूसरे दिन 2 बजे नहीं खाई तो गजब हो जाएगा, 2:30 बज गए तो बस वो असर नहीं करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता, 2:30 बज गए 2:45 बज गए 5 भी बज गए कोई बात नहीं डॉक्टर साहब। लेकिन ये आई थिंक डॉक्टर ज्यादा डॉक्टर साहब ये हम लोगों का भी इश्यू है, जब तक डरेंगे नहीं हम कोई काम नहीं करते, सही कह रहे हैं, 90% काम तो डर की वजह से कर रहे होते हैं ना, पता है बात चीजें बड़ा आपको हर्ट करती है ना कि देखिए जैसे आपको डरते हैं तो हम लोग काम करेंगे, अच्छा जैसे अगर फर्ज करें कि आपने कोई अच्छी चीज पकाई ना और ये आपने चले शेफ अनीता का रेस्टोरेंट ठीक है और हम लोग गए मैं और असर गए कि जी अब प्लीज जरा कोई अच्छी सी डिश दे दें, वैसे तो आप दोस्ती में फ्री दे देंगी असर को, देख ये दोस्ती में फ्री तो डबल चार्ज करेंगी डॉक्टर साहब, नहीं नहीं फ्री दे देंगी ठीक है, दो तरीके की मेन्यू बनवाऊंगी असर के लिए अलग बाकी सबके लिए अलग, ये देखिए लाइव फ्री दे देंगी अगर, मगर पता है क्या एक अजीब कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है कि आप जाते हैं ना कि कोई अगर आपको लगता है कोई मोहब्बत से किसी ने बात की या कोई डिजर्विंग है तो आप कहते हैं अच्छा जी इतने ज्यादा रेट्स हैं मैं आपके लिए बहुत कम करके इतने कर देता हूँ, अच्छा फौरन आपने शुरू किया अगला सवाल जो साथ पूरा कुंडबा बैठा होगा वो चीज का असर होगा या नहीं, आपने कम किया तो क्वालिटी वही है, आप ये देखिए तो ये तो लगता है कि आपने मेहनत करके टुकड़े टुकड़े करके दरिया में बहा। डॉक्टर साहब आपके लिए कॉल है मुदस्सर की लाहौर से, हेलो जी सलाम अलैकुम मुदस्सर, हेलो हेलो, आई थिंक ये जो पैशन है अपनी आवाज को टेलीविजन पे सुनने का ये आई थिंक इसको वक्त लगेगा, जाते जाते थोड़ा वक्त लगेगा, तो ये बाद में आप अगर आवाज अपनी सुनना चाहते हैं तो आप जो शो रिपीट होता है उसमें आप सुन लीजिए या यूट्यूब पे जाके वहाँ पे भी आप लोग सुन सकते हैं, बाद में सुन ही सकते हैं बिल्कुल। शेफ अनीता जल्दी से बता दीजिए, इसका रिकैप दे देते हैं, हमने क्या किया था कि एक दरमियानी प्याज ली उसको बारीक चॉप कर लिया, थोड़ा सा पैन के अंदर ऑयल लिया तवे के ऊपर और प्याज इसके अंदर डाली, लाइट सी गोल्डन होना स्टार्ट हुई तो हमने इसके अंदर 2 अदद टमाटर फाइन चॉप वो शामिल कर दिए और इसमें तमाम मसाले शामिल करे जिसमें 1 टीस्पून के करीब नमक या हसबे जायका आप नमक शामिल कर दीजिए, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करी, 1 टीस्पून लाल मिर्च शामिल करी, 1/2 टीस्पून हल्दी शामिल करी और इन तमाम चीज़ों को इसके साथ थोड़ा सा भुना कुकरा, जब टमाटर सॉफ्ट हो गए तो हमने इसके अंदर चिकन ऐड कर दी, मैंने बोनलेस चिकन ली थी 500 ग्राम जो क्यूब्स में कटवा ली थी ताकि वो तवे पे आराम से आ जाए, आप विद बोन लेना चाहें तो आप वो आपका अपनी चॉइस है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप बोनलेस ही लें, ठीक है। जब आपकी चिकन कुक हो गई टेंडर हो गई बिल्कुल डन हो गई, पालक मैंने 500 ग्राम ली थी उसको मैंने ब्लांच कर लिया था यानी पानी में जब जोश आ गया पालक डाली 1 मिनट उसमें छोड़ी और निकाल के उसको बिल्कुल ठंडा कर दिया और उसको फाइन चॉप कर लिया, फाइन चॉप करने के बाद जब चिकन हमारी डन हो गई तो इसके अंदर मैंने पालक शामिल करी, पालक को 1 मिनट तक पकाया हाई फ्लेम पर और इसके अंदर जो है ना मैंने लेमन जूस शामिल करा 2 टेबलस्पून, अगर आप और चटपटा खाना चाहते हैं तो और ज़्यादा लेमन जूस शामिल कर दीजिए, 1 टेबलस्पून चाट मसाला शामिल करा, 1 टेबलस्पून जो है वो पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करा, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी बिल्कुल हाथों की मदद से क्रश करके ऐड करी ताकि उसका फ्लेवर उसका अरोमा इसके अंदर आए और जनाब बस दैट्स इट, और उसको जो है मैंने जूलियन जो है वो अदरक से गार्निश कर दिया, आप हरी मिर्चें चॉप करके डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, ठीक है, और ये रेसिपी हमारी डन है। थैंक यू सो मच अमरीजा, बहुत बहुत शुक्रिया, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं, हमारे साथ हैं चमकते चेहरे में डॉक्टर खुर्रम मुर्शीद,
बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब। जी सर। डॉक्टर साहब जिस तरह अभी ब्रेक पे जाने से पहले हम बात पूछ रहे थे एंटीबायोटिक और एंटीबायोटिक से रिलेटेड मिसकंसेप्शंस की। बिल्कुल। कि बहुत सारे लोग एंटीबायोटिक का नाम सुन के लरस जाते हैं कि एंटीबायोटिक खा ली हमने, क्या तुम एंटीबायोटिक खा रहे हो? डॉक्टर साहब इसमें किस क्या सब की अप्रोच होनी चाहिए? देखिए थोड़ा सा मैं बड़ा आपको बताऊं कि मुझे एक अजीब हार्श हो जाता है, मगर एक लैक ऑफ एजुकेशन है और कुछ भी नहीं है कि मतलब लोग एक तो डिस्ट्रस्ट भी है हमारे यहाँ मुल्क में जो है पाकिस्तान में इतने उस लेवल पे लोगों को धोखा दिया गया है कि लोगों को हर चीज़ से एतबार उठ गया है। ठीक है, बार बार रिकन्फर्मेशन चाहते हैं। अच्छा दूसरा एक तो पहले एक तो ये हो गया मुल्क की सूरत हाल, सेकेंड ये कि गूगल कर करके वो लेटे हुए गूगल कर रहे हैं जी उसमें तो ये लिखा है उसमें तो ये लिखा है। अच्छा जब भी कोई एंटीबायोटिक होती है कोई विटामिन होती है तो हज़ारों चीज़ें उसकी यूजेज लिखा होता है साइड इफेक्ट्स लिखा होता है रिमोट में हो सकता है वो एक उसका फॉर्मेट है। डॉक्टर साहब क्या वो कंपनीज अपनी बचत के लिए लिख देती हैं चीज़ें बचत खुदा ना खासा? देखिए इन्हें कि थोड़ा बहुत जैसे कभी इरिटेशन हो जाए कभी एलर्जी हो जाए तो हो सकती है। ठीक है, मगर एक तो एजुकेशन नहीं है लोग उसको डिस्ट्रस्ट है। ठीक है, एतबार नहीं है सुनना नहीं है। अच्छा हमारे माशरे में वो भी आ गया ना जिद बहुत है। अब आप देखिए आप होस्ट हैं इस पर आप मुझे कोई अच्छे जेस्चर में उसमें इसमें मोहब्बत में आप बता रहे हैं ये करना चाहिए, मैं रोज़ाना इतना अच्छा नहीं मुझे पता होता टीवी पे क्या, तो आप मुझे गाइड करें अपनी जिद वो भी बहुत हो गई है। और थर्ड ये कि गलत चीज़ कर लेंगे। अच्छा मतलब उल्टे सीधे खाने खा के और उल्टी सीधी जगहों से खाने खा के डर नहीं लगता। ठीक है, उसमें कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं है। उल्टा सीधा रात को 2:30 बजे आपने फ्राइड चीज़ें खा ली, उल्टा सीधा चीज़ें चेहरे पे लगवा ली, ठीक है उसमें कोई मसला नहीं है, मगर डॉक्टर बता रहे हैं तो फिर। अच्छा डॉक्टर साहब एक और मिसकंसेप्शन ये है कि सारी एंटीबायोटिक्स एक ही होती है क्या? अगर नहीं 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 बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि अगर कोई गले की एंटीबायोटिक अलहदा होगी और स्किन इन्फेक्शन की अलहदा होगी? नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। देखिए वो कोई सर्टन जेनरेशन होती हैं इतनी ये पोटेंसी होती है। ठीक है, और ये नहीं कि अच्छा हाँ आप सही कह रहे हैं कि लोगों को एक जैसे मैं मिसाल देता हूँ ऑगमेंटेड हमारे यहाँ गले के लिए बहुत देते हैं। अच्छा आप कोई दाने हो रहे हैं फोड़े हो रहे हैं सर्टन कंडीशन के उसमें देंगे, अरे ये आपने ऑगमेंटेड दिए तो गले में खाई थी मैंने या देते हैं, तो वो मल्टीपर्पज होती हैं। आपके कौन सा कंडीशन क्या है कितनी इंटेंसिटी में आपको इन्फेक्शन है तो ये चीज़ें वेरी करती है। ऑलराइट डॉक्टर साहब, लेकिन अगर किसी को स्किन इन्फेक्शन हो तो एंटीबायोटिक से क्योर हो जाते हैं? बिल्कुल, उसको देखिए नहीं वो तो वेरी करता है ना कि देखिए आपको बैक्टीरियल है तो एंटीबायोटिक होगी। वायरल का नहीं कोई? वायरल एंटीवायरल देते हैं, एंटीवायरल होती है जैसे वॉट्स होते हैं या आपके मोलेस्कम होता है तो एसाइलेक्स होती है, एसाइक्लोवर होती है, अज़ोवेरेक्स होती है। ठीक है, इसी तरह एंटीफंगल होती है और एंटी एलर्जी एक अलग चीज़ है। ठीक है, सारी चीज़ें मिला के कॉम्बिनेशन होता है और उसको एक सर्टन आपको फॉर्मेट रेगुलेट करना पड़ता है। और खुद से कभी मत खाएं, खुद से कभी मत खाएं। आपको पता है कुछ केस बिगड़ ही जाता है। हमारे साथ एक कॉलर है। जी जी बिल्कुल, आपके लिए लाहौर से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम नवीद। जी नवीद भाई बोल रहा हूं लाहौर से, फिर क्या हाल है जी नवीद भाई? क्या अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या सवाल? मुझे डॉक्टर से कुछ मशवरा करना था। मेरी स्किन में जो आते हैं कि मैं ब्लैक स्पॉट जाने बन जाते हैं, पहले वाइट होते हैं तो फिर जब खारिज करते हैं रेडिश होते हैं ब्लैक हो जाते हैं, तो उसको मुझे मशवरा करना। दूसरा ये पूछना 2 दिन के पहले किधर है, क्या उसकी प्रोडक्ट खरीद सकती हैं? थर्ड जो है वो मेरी बच्ची है 18 साल की, उसका कभी बड़ा जी। हेलो, अच्छा आपको 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 किन एरियाज पे होता है ज्यादातर रेडनेस? आपको चेहरे पे है ये? बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं बगैर किसी। बिल्कुल बिल्कुल, आप इसको लिखिए, आप डायग्नोसिस लिखिए फिर मैं आपको इलाज बताता हूँ। ये है पॉम्फलेक्स, POMPHLOYX पॉम्फलेक्स। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ उसको क्या करना है। ठीक है जी, अच्छा जी उनको 3 क्रीमें मिला के लगानी है। नबी साहब उनको दीजिएगा 3 क्रीमें, एक तो माइसिट्रेसिन MYCITRACIN, दूसरी है फ्यूरेसिन FURACIN और थर्ड है कॉर्टिवॉल। ठीक है, तीनों मिक्स करी और अच्छी तरह उनकी उंगलियों के दरमियान और जो जहाँ भी उनके दाने हो रहे वहाँ लगाएं। ठीक है, सेकेंड ये क्या करें, एक चीज़ आती है पिंकी, आपने छोटा सा प्याला लिया
उसने नीम गर्म पानी में एक चुटकी पिंकी डाली और उसमें 10 मिनट के लिए हाथ डुबोएंगी, ठीक है, थोड़ा सा पिंकिश उसमें आ जाएगा, गुलाबी, वो सही हो जाएगा। और थर्ड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप एक टैबलेट उनको देंगे सुबह शाम लॉरेन एनएसए, ठीक है, एक हफ्ते तक सुबह शाम, और कोशिश ये करें कि जब भी वो साबुन पानी का काम करें उसके बाद हाथ खुश्क करके थोड़ा सा पेट्रोलियम जेली लगा के रखें, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पॉम्फलेक्स की खवातीन अगर साबुन पानी का काम ज़्यादा करती हैं, या कोई थोड़ा बेगम साहिबा मैनीक्योर पेडीक्योर बहुत करती हैं, या बच्चों की नैपी चेंज करते तो हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो लोग ज़्यादातर पेडीक्योर मैनीक्योर कराते हैं जी, उनको भी प्रॉब्लम होता है, वो तो सफाई के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी। देखिए सफाई आप देखें ना, असर सफाई देखिए हर चीज़ एक लिमिट पे रगड़ दिया आपने, मैं रोज़ाना पूरे कमरे को। डॉक्टर साहब आई थिंक उसकी एक वजह ये भी होती है कि जो आप आई थिंक उसके लिए भी एक्सपर्ट्स के पास ही जाना चाहिए ना। बिल्कुल देखिए नहीं, बहुत सारे लोग घर में खुद कर लेते हैं। देखिए वो तो सही है, घर में कर सकते हैं, मैं रोज़ाना तो अब नहीं जाएंगे, मगर वो तो बड़ा बेसिक सी चीज़ है, मगर उसको भी एक हफ्ते में दो दफ़ा आप रोजाना कर रही हैं जी, ठीक है, एक ऑब्सेशन सा हो जाता है, ठीक है, कि मतलब कुछ लोग कहते हैं ना जी, आपने देखा होगा ओसीडी जो कहलाता है, हर वक्त हाथ धो रहे हैं, ठीक है, हर वक्त रोजाना मेरी ये होनी चाहिए स्केलिंग। अब कुछ लोगों को होता है कि आप कहीं जाएंगे, वो बहुत अच्छी बात है, खैर जरा बैठे होंगे, उनको मिट्टी बर्दाश्त नहीं होती, तो वो साइकोलॉजिकली बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसी को जेनेटिकली एक्जिमा जी फैमिली में रहा हो, हाँ, 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 और किसी इंसान को नहीं निकला हो लेकिन उसकी फैमिली में हो, तो उनको किन चीज़ों से परहेज करते रहना? देखिए नहीं, एक तो देखिए फैमिली में होता है, सही कह रहे हैं, जेनेटिक ही होता है। अच्छा देखिए इस पर तीन चार चीज़ें मिलकर होती हैं, जिस फैमिली में एक्जिमा होता है वहाँ पे एक तो राइनाइटिस, थोड़े थोड़े दिन में मिट्टी से गए तो आपको एलर्जी हो जाती है, छींकें आ रही हैं, स्नीजिंग हो रही है, ठीक है, और एस्थमा भी होता है, ठीक है, तो उनको एक ख्याल करना चाहिए कि जी बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें, ठीक है, बहुत हार्श कपड़े, अगर वुलन कपड़े सर्दियां आ रही हैं तो फिर अंडर आपके वो होना कॉटन होना चाहिए, ठीक है, बॉडी को ल्यूब्रिकेट करके रखें, थोड़ा सा खुश्क ना होने दें, ठीक है, ग़िज़ा में ऐसी चीज़ें जिनमें रोगन हो, मछली हो गई, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हो गए, ठीक है, सरसों का तेल हो गया, या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल रोजाना दूध में डाल के पिया करें, मीठे बादाम का तेल डाल के पिया करें, तो आपके अंदर ये चीज़ें नहीं होती। अच्छा हमारे साथ एक कॉलर उनसे बात करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। आयशा फ्रॉम भावपुर जी, अस्सलाम वालेकुम आयशा, क्या सवाल है आपका? पूरी बॉडी में आता है, चेहरे पे आता है, किस तरह हाथ पाँव पे आता है? अच्छा जी आयशा, आप देखिए इसको लिखे भी, मैं आपको इसकी डायग्नोसिस बताता हूँ, ये कहलाता है, देखिए अगर पूरा पसीना आता है वो तो एक स्वेटिंग का इश्यू है आपकी बॉडी से, अगर सिर्फ हाथ पैर में आता है तो वो कहलाता है हाइपर हाइड्रोसिस, ठीक है, हाइपर HYPER हाइपर HIDROSIS हाइड्रोसिस। ये क्या होता है, लोग कहते हैं एंग्जाइटी से आ रहे, नहीं बिल्कुल एंग्जाइटी की बात नहीं होती, ये आपकी जेनेटिकली होता है कि हाथ पैर उसमें ज़्यादा होता है। उसके लिए बड़ी सिंपल सी चीज़ है, एक क्रीम आती है सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, आप बाजार से दो ट्यूब लेकर आएँ सिल्वर नाइट्रेट, डर्मेजिन के नाम से भी मिलती है, ठीक है, या कॉन्ट्रैक्ट ट्यूबिक्स जेल लेकर आएँ, ठीक है, वो दो ट्यूब लाएँ घर में, लाएँ प्याले में दोनों खाली की, ठीक है, एक कटोरे में उसके अंदर डाला एक चमचा ग्लिसरीन और एक चुटकी बिल्कुल फिटकरी एलम पीस के इसके अंदर डाली, ठीक है, और सुबह रात हाथ पैरों पे लगाएं, ठीक है, और एक एंटी एलर्जी आपको लेनी है इसी के हिसाब से जी, जार्डन JARDIN एक गोली रात में। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बात कहते हैं हाथ पैरों में पसीने, किसी बीमारी की निशानदेही तो नहीं करता? नहीं नहीं नहीं, देखिए बीमारी में तो डिफरेंट होता है कि जी, या फिर आपको वो कहते हैं जी पसीने छूट गए, ठीक है, या लोग कहते हैं जी किसी को भी आ रहा है तो कहते हैं जी ये जैसे नेल बाइटिंग है, ठीक है, लोग कहते हैं एंग्जाइटी में, नहीं बिल्कुल एंग्जाइटी में तो बढ़ जाता है ये, मगर वो आपके अंदर होते जेनेटिकली होता है, नेल बाइटिंग हो गई या पसीने हाथ पैर में आना वो एक डिफरेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, आज आप क्या बता जी असर, आज बिल्कुल कुछ भी नहीं, बड़ी सिंपल सी बता एक चीज़ बता रहा हूँ, आज कोई दवाई कोई क्रीम कुछ भी शामिल नहीं करें, आज सिर्फ सिंपल सा एक रेमेडी बना रहे हैं जो आपके चेहरे पे 2-3 टोन की स्किन आ रही है, बेसिक आपको क्या करना है घर में जी, सिंपल सा प्लीज आई लुक सम आइए जी सर। अच्छा बड़ा सिंपल सी चीज़ है, इसमें आपको करना क्या है कि सिर्फ घर के अंदर की चीज़ें मौजूद हैं, कोई क्रीम आज यूज़ नहीं कर रहे, क्या आपको पता है जो घर के और भी तो आई थिंक हर घर में मौजूद, हर घर में मौजूद है, सिंपल तरीन चीज़ है, और इसको नेक्स्ट वीक हम इसको दवाई के साथ भी बना के दिखाएंगे, ठीक है। आपने क्या किया, आपने तकरीबन आधा कप लिया जी दूध, ठीक है, और ये आपको पूरे चेहरे पे लगाना है, पूरे हफ्ते के लिए बनेगी, ठीक है, उसके अंदर डालेंगे जी तकरीबन आधा टमाटर काट के, ठीक है जी, आधा और छिलके समेत, ठीक है,
उसके साथ डालेंगे थोड़े से पुदीने की पत्तियाँ, ठीक है, मिंटी इफेक्ट आएगा, ठीक है, देखिए पुदीने की पत्ती बड़ी अच्छी खुशबू आएगी, और डालेंगे 2 चम्मचे ग्लिसरीन, ठीक है, क्योंकि सर्दियों के लिए बहुत अच्छा है, ड्राइनेस भी नहीं होगी, आपकी स्किन बड़ी अच्छी और बड़ी तरोताज़ा एक इवन टोन में आ जाएगी, ठीक है, हमने किया। और डॉक्टर साहब ये कलर भी बेहतर करेगा 100% आपके हल्के या ये बिल्कुल ताकि पेस्ट बन जाए, पेस्ट बन जाए, ओके और बड़ी खुशबूदार होगा, पूरा हफ्ता चलेगा, ठीक है, बड़ा सिंपल सा आपने बनाया इसको, और इसको फ्रिज में रख देंगे, ठीक है, गाढ़ा गाढ़ा सा बड़ा सिंपल सा। आपने रोज़ाना आपको क्या करना है, नहाने से आधा घंटा पहले पूरे चेहरे पे जहाँ आपके डार्क सर्कल्स हैं, जहाँ पे आपकी झाइयाँ हैं, ख़ास तौर पे ये नकल्स हैं, ठीक है, कोनियाँ हैं, एड़ियाँ सब पे लगाया, आधा घंटा वो सूख गया, उसके बाद जो बिल्कुल फ्लेक बन के जैसे बच्चों के मैल नहीं उतारते उस तरह उतारें, आपकी स्किन बड़ी सॉफ्ट, अच्छा और ड्राइनेस भी नहीं होगी, एक्जिमा वाले, सोराइसिस वाले, एक्नी वाले, ठीक है, पिगमेंटेशन वाले सारे लोग लगा सकते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, बड़ी सिंपल चीज़ है। फिर भी अगर इरिटेशन हो तो आप क्या करें, हेल्थ में और ग्लिसरीन और ऐड कर लें, तो बिल्कुल कोई इरिटेशन हो गया ना, थोड़ा देखिए कुछ चीज़ आप लगाते हैं शुरू में थोड़ा सा तो इम्पैक्ट होता है ना, चुरमुर हो रही है, थोड़ा सा सेंसेशन हो रही है, तो एक नेचुरल चीज है। डॉक्टर साहब इसको फ्रीजर में रखें? नहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल फ्रिज में रखेंगे एक हफ्ते के लिए, मगर ये नहीं करना है कि आप निकाल, जितना निकालना हो आपने चमचे से निकाला उसको अच्छा एयर टाइट कर दिया, ये नहीं कि हाथ से निकाला तो 2 दिन में। डॉक्टर साहब तो वो वाली बॉटल्स भी आती हैं जिसे आप थोड़ा सा वो यूं करते हो निकाल आते हैं, स्प्रे गन्स, ये स्प्रे में शायद नहीं आ सकती, नहीं वो जो उसकी डिस्पेंसर्स होते हैं छोटे, हाँ हाँ वो भी कर सकते हैं, जिसमें हैंड वॉश फेस वॉश, बिल्कुल बिल्कुल, मगर थोड़ा सा इसमें ये फ्लेक्स होंगे, इसलिए शायद हो सकता है कि वो ना निकले, क्योंकि स्क्रबिंग का भी काम करेगा ना, ये फ्लेक्स होंगे थोड़ा, इसलिए शायद बॉटल में ना हो, मगर आप अगर ट्राई करें हो सकता है उसमें भी हो जाए। जबरदस्त डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। खवातीन रजात, वक्त हो जाता है छोटे से ब्रेक का, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, एक बार फिर आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। ज़िंदगी अगर वज़ाइफ़ के साए में गुजरे तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है, और आपको आपकी ज़िंदगी आसान और बेहतर करने के लिए बेहतरीन वज़ाइफ़ आज बताएंगे हमारे बहुत ही फेवरेट और दिल के करीब मुफ्ती इमरान अल कल्याणी साहब। मुफ्ती साहब के लिए कोई बैंग नहीं हुआ, सुभान अल्लाह, मुफ्ती साहब के लिए एक बड़ा बैंग होना चाहिए, मुफ्ती इमरान अल कल्याणी साहब। ये चीज़ कैसे मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से। वो साहब आज आप किस बारे में बात कर रहे हैं? अच्छा, शुरू में चले मैं कुछ वजीफे आज के लिहाज से बता देता हूँ इंशाल्लाह जी। जो कुछ सवालात मुझे बताए गए हैं यहाँ पे आए हैं तो उसके मुताबिक पहले बता दूँ, फिर आप अपने तौर पर जो डिस्कशन करना चाहें जी। उमूमन ये कंप्लेन तो सबको है, और उसमें सभी जो है ना, नेक हो या नॉर्मल इंसान हो, सबको ये डिप्रेशन वाली कैफियत रहती है किसी न किसी अंदाज से। अच्छा, जो लोग ये कहते हैं ना, मैंने बाज़े मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना कि मोमिन हो उसको डिप्रेशन हो, ये मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो वो उनकी अपनी राय है, लेकिन मोमिन को भी डिप्रेशन होता है और उसको अपने तौर का डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन का मकसद उदासी का हो जाना और दिल में बस गम का पैदा हो जाना। उसकी मोटी मोटी चंद मिसालें दे दूँ ताकि लोगों को सेटिस्फेक्शन हो जाए कि दीन के होते हुए भी डिप्रेशन अगर हो रहा है तो वो नुकसानदेह नहीं है, बस रब्ता अल्लाह से होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे हज़रत सैदना याकूब अलैहिस्सलाम, उनको हज़रत सैदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जो गुमशुदगी हो गई थी उसके बाद जो एक गम लगा, मुस्तकिल गिरिया उन पर रहता था, और इतना गिरिया इतनी शिद्दत के साथ कि उनकी आँखों की बिनाई भी चली गई थी। तो अब ये एक तो हाँ ये भी मालूम होता है कि औलाद की मोहब्बत भी अल्लाह ताला ने दिल में रखी है अम्बिया अकराम अलैहिस्सलाम के लिए। बाद लोग इसको भी जो कहते हैं कि फितना है, आजमाइश है, तो वो फितना उस लिहाज से फितना कुरान ने नहीं फरमाया उसको कि जिस लिहाज से हमारे लफ्ज़ फितना बदनाम है, वो एक आजमाइश अल्लाह की तरफ से लेकिन मोहब्बत होती है। तो बहरहाल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला ने पूछा कि वक्तन फ़वक्तन दिल पर उदासी सी तारी हो जाती है और अजीब बेचैनी सी होती है,
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी पढ़ने के लिए बताया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का वर्द बताया। और इस तरह भारत में बहुत से बुजुर्गों ने जिनको देखा जिनको ये उदासी की कैफियत होती है, और उसकी बुनियादी वजह एक ये भी लिखी गई है कहीं मैंने पढ़ी थी कि इंसान चूँकि जन्नत का एक रहने वाला ये वो समझे जानदार है, वहाँ से उसको उतारा गया है दुनिया में, तो इसका असल मस्कन असल ठिकाना वो चूँकि जन्नत है, तो ये यहाँ पर दुनिया में अक्सर इस पर बिला वजह को उदासी तारी हो जाती है। बहरहाल मुख्तसर ये इसमें वाकई ऐसी बात है। जी जी, क्योंकि इसका असल मस्कन तो है ना टेम्प्रेरी तौर पर दुनिया में कुछ वक्त के लिए आया है, वरना इसको तख्लीक क्या ही जन्नत में गया था और जन्नत में स्टे कराया गया था कि वह जन्नत में आराम से रहो। आप देखें इंसान जो है ना दुनिया में वही जो उसके दिमाग में नक्शे चलते हैं ना, अभी जो आप सराउंडिंग में देखें ग्लैमर रंग कलर झरने पानी नहरें जिसे सुकून मिलता है, बस वही चीज़ें इंसान क्रिएशन में लगा रहता पूरी ज़िंदगी। इंसान के अलावा करोड़ों मखलूक़ात आप देखें वो किसी क्रिएशन में नहीं है, एक इंसान है जो अपने लग्जरियस में तलाश में रहता है कि नरम बिस्तर हों आलीशान चीज़ें हों दरख्त हों सब्ज़ा हो और ये आबशारें हों, इन चीज़ों को पसंद करता है, वहाँ जाकर सुकून महसूस करता है, इसलिए कि ये उसके जहन में वही नक्शा बैठा हुआ है। और फिर इंशाल्लाह अहले ईमान हुई वापस लौट के जाएंगे, उनका ठिकाना वक्ती तौर पे अल्लाह ने दुनिया में भेज दिया कि भाई जाओ वहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस दिखा के फिर वापस इसी जन्नत में तुम्हें आना है। अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए। आमीन आमीन। जो कुरान करीम में आता है फमनजुह यानी नार वसल जन्नत फकत फास, कि जो आग से बचा लिया गया अजाब से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो सबसे बड़ा कामयाब है। तो उसके लिए दुआ ये डिप्रेशन के लिए हसबी अल्लाह ला इलाहा इल्लहु अलैहि तवक्कलतु वहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ये दुआ बड़ी कुरान करीम की एक आयत है सूरह तौबा की आखिरी आयत है। हसबी अल्लाह ला इलाहा इल्लहु अलैहि तवक्कलतु वहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ये सिर्फ डिप्रेशन ही के लिए नहीं बल्कि तमाम रुके हुए मामलों के लिए अटके हुए कामों के लिए प्रॉब्लम के लिए कहीं ऑफिस में कोई काम फंस गया उसके लिए तमाम चीज़ों के लिए इसका कसरत से विर्द किया जा सकता है। विर्द अपनी सहूलत के मुताबिक कर सकते हैं 7 मरतबा 11 मरतबा या कितनी दफ़ा भी चाहें इसको पढ़ें, इंशाअल्लाह हसबी अल्लाह ला इलाहा इल्लहु अलैहि तवक्कलतु वहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, इसकी बरकत से अल्लाह जहाँ कामयाबी मिलेगी। अच्छा हमारे साथ एक कॉलर मुफ्ती साहब उनसे बात करते हैं। हेलो जी सलाम अलैकुम, मिसेस नदीम फ्रॉम लाहौर। जी मिसेस नदीम कैसी हैं आप, क्या सवाल है आपका? मैं ठीक हूँ, मैं मौलाना साहब से बात करना चाहती हूँ। जी जी सवाल बताइए, बात कीजिए प्लीज। सवाल ये है कि मेरा कि मौलाना साहब मैं तकरीबन शादी को 14 साल हो चुके हैं, उसके बाद आज तक जिंदगी में सुकून नहीं आया, जो भी काम हम करते हैं ना वो काम छूट जाता है, नौकरी खत्म हो जाती है। अच्छा और फिर और ससुराल वाले हिस्सा भी नहीं दे रहे हमारा। ससुराल वाले क्या क्या करते साथ नहीं दे रहे? ठीक है आपको इसका जवाब ऑन एयर बताएंगे। और खुदा के लिए जब भी आप कॉल करें अपने टेलीविज़न का वॉल्यूम कम रखें। इन्होंने जो मिस नदीम ने सवाल पूछा इसका जवाब देंगे ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाएगा, अगर आपको भी कोई सवाल हो तो हमें कॉल कीजिए, लेकिन प्लीज़ टेलीविज़न का वॉल्यूम बंद रखिए वरना आपकी कॉल हम ड्रॉप कर देंगे। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। खवातीन हज़रात आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, एक बार फिर आपको शो में खुश आमदेद कहते हैं। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है उनसे बात करते हैं। हेलो जी सलामुअलैकुम। हेलो जी सलामुअलैकुम आसिफा। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं आसिफा बात कर रही हूँ कराची से। जी जी क्या सवाल है आपका? जी मेरा ये सवाल है कि मतलब मुझे मेरे भाई के बारे में पूछना है, जैसे मतलब कि एक कंपनी से उन्होंने जैसे रिजाइन करके दूसरी कंपनी में ज्वाइन किया, तो मतलब जो पहली वाली कंपनी है ना उन लोगों ने जैसे ऐलान किया था ग्रेजुएटी मिलती है ना कोई भी जॉब छोड़ने पे कि आपको ये मिलेगी, तो लेकिन अभी तक जैसे तकरीबन 6-7 महीने हो गए उन्होंने ऐलान किया था कि हम आपको ये देंगे, तो लेकिन जैसे अभी तक उन्होंने दिए नहीं है, तो आप कोई ऐसा या तो पढ़ने का बता दें कि मतलब इस वक्त हमें बहुत जरूरत है पैसों की ना। ओके हम आपको ऑनर जवाब देना आसिफा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी मुफ्ती जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा इससे पहले भी जो सवाल आया था हमारे ब्रेक पे जाने से पहले खासन का उनकी मुश्किलात का था कि भाई बहुत मुश्किलात में, इनके भी सेम तकरीबन सवाल वही है, तो दोनों का जवाब भी एक तकरीबन सेम है। सुन लीजिए गौर से कि ऐसी तमाम मुश्किलात के जो घरेलू मुश्किलात आती हैं काम में रुकावट आ रही है या यहाँ से जो इनको वो फंड वगैरह नहीं मिल रहा जहाँ से काम छोड़ा है, तो सूरह अलम नशरह लक सदरक वज़अना अनका वज़रक ये पूरी सूरत जो 30वें पारे में मौजूद है बड़ी मशहूर सूरत है, इसके बहुत सारे यानी अलग अलग मकासद के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये एक उन कामों को आसान करने के लिए भी होती है कि जिसमें मुश्किलात आ रही हों, तो उसको एक ख़ास तरीके से अगर पढ़ें उसको ख़त्म ख्वाजगान का वजीफ़ा कहा जाता है। बुजुर्गान दीन ने बताया बड़ा मुजर्रब वजीफ़ा है वो,
कि अगर जुमेरात को इशा की नमाज़ के बाद पढ़ें, चंद अफराद मिलके पढ़ लें तो ज़बरदस्त है, अकेले पढ़ेंगे तो टाइम काफ़ी लग जाएगा। अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ लें, फिर आपको 360 मरतबा पढ़ना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यहाँ तक पढ़ना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल अली लाज़िम पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन शॉर्ट करने के लिए ताकि टाइम थोड़ा बच जाए तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 360 मरतबा, फिर 360 मरतबा ये पढ़ना है अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अनका सदरक, पूरी सूरत पढ़नी है। फिर उसके बाद आखिर में फिर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये पढ़ लें। इसके साथ एक जुमला और भी आता है, अगर वो आसानी से याद हो सके तो उसको शामिल कर लें तो बहुत अच्छी बात है, वरना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह तो सबको याद है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ला मलजा वला मंजा मिनल्लाह इल्ला इलैह, ये पूरी एक दुआ बन जाती है। तो 360 मरतबा शुरू में, 360 मरतबा एंड में, बीच में 360 मरतबा सूरह अल-नशर पढ़ें। बहुत मुजर्रब वजीफ़ा है, रिस्क के लिए, घर तामीर करने के लिए, अपनी तरक्की के लिए इसको मामूलात में लाएँ। अगर इशा के बाद वक्त नहीं मिलता है, जुमेरात को वक्त नहीं मिलता, तो जब टाइम मिले, जितने अफराद को टाइम मिले, 3-4 अफराद जमा हो गए, वो चियाँ गुठलियाँ कुछ रख लें, उसको काउंट करके पढ़ लें, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा मामला आसान हो जाएंगे। एक दफ़ा ही नहीं पढ़ना बल्कि वीकली इसको पढ़ लिया करें तो इंशाल्लाह मामला में जो रुकावटें दूर हो जाएंगे, परेशानी खत्म होंगी इंशाल्लाह। अच्छा मुझसे कभी कभार कुछ लोगों की फैमिली में प्रॉब्लम होती है जी, तो उनको ज़्यादा जो टेलीविजन पर हम इस तरह के प्रोग्राम से कहते हैं कि ये अपनी बेगम से कहें पढ़ें या ये आपके शौहर पढ़ें, जब दो कोई घर में मसला होता है ये सब यकजा नहीं पढ़ सकते? अलग अलग का ये होता है कि कुछ वजीफे ऐसे हैं कि सेपरेट पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा जैसे आपने बेगम का कहा, मुझे लतीफ़ा याद आ गया, अक्सर स्टूडेंट जो है ना मैं उनको तंबी करता हूँ क्लास में, कोई असाइनमेंट वगैरह देता हूँ, लड़कों का क्या होता है वो अपना काम जो है ना 6:30 लड़के ज़्यादातर घर जाते फ़ौरन के अपनी बहन को असाइनमेंट दे देंगे, भाई ये असाइनमेंट मिला बहन लिखेगी, और वो बेचारी बहनें तैयार करके देती हैं। अच्छा उनके डिज़ाइन से पता लग जाता है जिस तरीके से लिखा होता है ना कि बहन से लिखवा के लाया, तो शौहरों को भी होता है कोई वजीफा बताओ मेरे पास वजीफा पूछने आते हैं कि वजीफा पढ़ना है, तो छूटते पूछते हैं मेरी वाइफ पढ़ सकती है मेरे लिए तो सारे काम कपड़े सही वो करें सब कुछ वो करें, तो इसलिए जो है ना वो थोड़ा सा इसमें खुद भी ख्याल करें, तो खुद पढ़ने से ज़्यादा फायदा है, लेकिन जो ज़्यादा बड़े वजीफे होते हैं वो इज्तिमाई तौर पर पढ़ ली जाएँ, उसमें ज़्यादा फ़ायदा कि भाई 4-5 अफराद मिलकर पढ़ें ताकि जल्दी पूरा हो जाए वो। अच्छा अच्छा एक और चीज़ ज़रूर सर, अगर ये जो वसवसात जो होते हैं जो हमारे दिमाग में आजकल के हालात भी आप देखें किस तरह के हैं, एक वसवसे हैं लोग डर खौफ में मुब्तला रहते हैं जनरली, उसके लिए कोई वजीफा बताएं? अच्छा अमूमी तौर पे देखें खदशात तो जिस तरह मैंने बताया ना, इंसान जन्नत का रहने वाला एक जानदार है, उसके दिल में हमेशा दुनिया में रहते रहते हैं खदशात खौफ। हज़रत साहबे कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन भी एक जंग के मौके पर बड़े परेशान थे, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत ज़्यादा दिल हमारे हलक में आ रहे हैं, कोई ऐसी दुआ बताए कि दिलों का कोई थमाव हो जाए, तो उसके लिए कुछ आपने कहा कि दुआ बताई, तो आपने एक दुआ बताई थी अल्लाहुम्मस्तुर औरातिना व आमिन रौआतिना, अल्लाहुम्मस्तुर औरातिना व आमिन रौआतिना, ये आपने बताया कि ये पढ़ो तो तुम्हारे दिलों में थमाव आ जाएगा। ये अगर याद ना रहे तो सूरह कहफ़ के तकरीबन 11वीं आयत है, उसमें असहाब कहफ़ के लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं वरबतना अला कुलूबिहिम, कि हमने उनके दिलों को मजबूत कर दिया, जोड़ दिया, तो इस आयत को भी वरबतना अला कुलूबिहिम सूरह कहफ़ तकरीबन आयत नंबर 11, इसको वक्तन फ़क्तन रेड में रखें तो दिल में जो बेचैनी होती है घबराहट होती है उसमें मजबूती पैदा होगी इंशाल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब अगर आपसे कोई राबता करना चाहे इलाज की नियत से उससे तो उसका क्या तरीका है? जी उमूमन लोग देखते हैं और उनको बहुत से हज़रात के ज़हन में सवाल पैदा होता है कि मुझसे अगर पर्सनली राबता करना चाहते हैं इलाज के लिए, तो बाकायदा मैं अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी क्लिनिक करता हूँ, हफ्ते एतवार को 5:30-6 के दरमियान बैठता हूँ मैं, 5:30-6 बजे से लेके तकरीबन 7-8 तक, कभी ज़्यादा लोड होता तो 9-10 भी बज जाते हैं। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर क्लिनिक बनाया मैंने अपनी रहाइश के ऊपर, C50 हाउस नंबर है, और वहाँ हफ्ता एतवार टाइमिंग है मुलाकात के, वहाँ स्टाफ होता है मेरा वो अटेंड करता है, फिर मैं खुद बाकायदा हर एक को चेक करता हूँ, उसके लिहाज से उसका इलाज करता हूँ इंशाल्लाह। तो जो हजरात मिलना चाहें तो C50 कराची यूनिवर्सिटी हफ्ता और एतवार तकरीबन 5:30-7 के दरमियान। अच्छा मुझे कोई और दुआ बता रहे थे? जी कुछ दुआएं मैं आज के लिए लाया हूँ जुम्मे का तोहफा इंशाल्लाह। एक ये है कि औलाद की तरफ से या मियाँ बीवी की तरफ से एक दूसरे को परेशानी हो घर में कोई, या औलाद ना हो रही हो, तो उसके लिए बड़ी प्यारी दुआ है, और ये दुआ कुरान करीम की आयत है, इसको मैं यहाँ पढ़ कर सुना देता हूँ। रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउ दुआ, ये स्क्रीन पर भी आपके चल जाएंगी, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउ दुआ, ये औलाद की फरमाबरदारी के लिए, औलाद की पैदाइश के लिए। इसी तरह एक दुआ हदीस शरीफ में आती है, इंसान को अपने पूरे जिस्म को महफूज रखने के लिए, इस तरह आप कह रहे थे कि वसावी से खौफ होता है इंसान के, बीमारी तो नहीं होगी परेशान, उसके लिए बचने के लिए अल्लाहुम्मा आफिनी फ़ी बदनी, अल्लाह मुझे आफियत अता फरमाए मेरे बॉडी के अंदर जिस्म में, अल्लाहुम्मा आफिनी फ़ी समई, अल्लाह मेरी समात में लिसनिंग पावर में मुझे आफियत अता फरमाए, यानी कुछ समात मेरी मुतासर ना हो, अल्लाहुम्मा आफिनी फ़ी बसरी,
अल्लाह मुझे आफियत अता फरमाए, तहफ़ुज़ अता फरमाए मेरी बिनाई में, क्या साइड मेरी ज़ाय ना हो। ला इलाहा इल्ला अंता, आपके सिवाय अल्लाह कोई भी माबूद नहीं है। तो ये दुआ पढ़ सकते हैं। इसी तरह किसी को परेशानी में देखें तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको देख कर अगर ये दुआ पढ़ ली जाए तो इंसान कभी भी उस परेशानी में मुबतला नहीं होगा। बड़ी प्यारी दुआ, ये भी स्क्रीन पर आ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मब्तलाका बिही वफ़ज़्ज़लनी अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ तफ़ज़ीला, इस दुआ को पढ़ लिया जाए। तिर्मिज़ी शरीफ के अंदर ये दुआ आती है, आम उसके ऊपर नेट पर मिल जाएगी। तो उसकी बरकत से कि इंसान उस तकलीफ में, उस बीमारी में, उस आजमाइश में इंशाअल्लाह मुबतला नहीं होगा। ज़बरदस्त। और मुफ्ती साहब, ये कसरत से अगर कभी कभी कुछ लोग होते हैं ना, वो चाहते हैं कि जिस तरह बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो कि एकदम से अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, जॉब्स करना शुरू होते हैं, लेकिन उनके पास कोई गाइडेंस नहीं होती कि क्या पढ़े या हर वक्त किस चीज़ के विरुद्ध में रहे, उस तरह के लोगों को किस चीज़ के विरुद्ध में रहना चाहिए? नॉर्मली तो वैसे देखें सूरह फलकनास ये सिक्योरिटी के लिए बेहतरीन चीज़ है, और आम चलते फिरते अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी बड़े बेहतरीन किस्म के यानी हथियार हैं। ये वो की हैं जो कुरान करीम को खोलने से पहले जो हमें पढ़ने को बताया गया। तो ज़िंदगी की जब हम आगाज़ करते हैं नौकरी जॉब कोई भी चीज़, इसका भी रखें इंशाल्लाह बहुत शर से महफूज रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन और हज़रात, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए। लेकिन हमेशा की वही इल्तिजा कि अक्टूबर का महीना है जिसको पिंक अक्टूबर भी कहा जाता है, सारी ख़वातीन प्लीज़ अपना ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का जो हमारा प्रोग्राम है उसमें साथ दीजिए। अपने इलाज से बेहतर है, एहतियात इलाज से बेहतर है, आप जाके ज़रूर अपने चेकअप्स करवाइए। साल में कम से कम एक दफ़ा तो लाजमी करवाइए ताकि आप एक बहुत बड़े प्रॉब्लम से बचे रहें। वीकेंड आ रहा है, वीकेंड पे अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। हैव अ ग्रेट टाइम, रेस्ट कीजिएगा, मौसम बदल रहा है, जो शांति का भी इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आप बीमारियों से और नज़ला खांसी बुखार से दूर रहें। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मंडे को फिर मुलाकात होगी एक शानदार से शो के साथ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, खुदा हाफिज़।